कृष्ण तदीय पाद पंकजो पंजरांते अद्वैव मन मे विशतु मनसराज हंस प्राण प्रयान समय कफ बात पित्वै कंठावरोधनम विधो भजनम कुतोस्ते भजनम कुतोस्ते। सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए एकमात्र शुद्ध गुरु वैष्णव छोड़ के दुनिया का किसी का ऊपर विश्वास मत करो। सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए शुद्ध गुरु वैष्णव छोड़कर किसी का ऊपर विश्वास मत करो। जिसका ऊपर विश्वास करोगे अंतिम में धोखा मिलने वाला है। एकमात्र जगत में शुद्ध गुरु वैष्णव लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते। चाहे आपका उसका कट्टर वाणी का ऊपर कुछ गुस्सा हो जाए, फिर भी यही सिद्धांत है। श्रील विमला प्रसाद सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, इस समय राजा मनिंद्र चंद्र जी, क्योंकि राजा मनिंद्र चंद्र जी का इनके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद के ऊपर थोड़ा विश्वास था। बोले आपका वैष्णव मंजूषा बोल के जो रिसर्च गवेषणा है, वैष्णव मंजूषा का विषय भी जितना सारे खर्चा है, मैं इस खर्चा को उठाएंगे, हम देंगे। बोल के महीना में हम 1400 रुपया आपको देंगे इस विषय पर। ये जो बहुत खर्चा है वैष्णव मंजूषा का ऊपर, हम 1400 रुपया हर महीना हम आपको देंगे। प्रभुपाद बोले ठीक है, दिया करो सेवा। वैष्णव मंजूषा ऐसा एक किताब है जिस किताब प्रकाशित होने का बाद वैष्णव समाज में बहुत सारे जो जानकारी है, बहुत सारी जानकारी मिल सकता। और श्रील प्रभुपाद जी ने बताएं ये वैष्णव मंजूषा का काम अगर इस जन्म में मेरा पूरा नहीं हुआ तो मेरे को दोबारा आना पड़ेगा, ऐसा बोला। इस किताब के लिए एक जो खर्चा है, जितना सारे गवेषणा आदि बहुत रिसर्च करना पड़ता है, वो डिक्शनरी का माफिक बहुत रिसर्च करना पड़ता है। वो 1400 रुपया दो महीना दिया, उसका बाद खर्चा नहीं भेजा। तो प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखा, बोला हमारा पास पैसा नहीं है, हम दे नहीं सकता। उसका बाद बोले ठीक है, हम 400 रुपया करके देंगे महीना में। 400 रुपया दो तीन चार महीना दिया, उसके बाद फिर बंद कर दिया। प्रभुपाद जी ने बताया देखो, जड़ जगत का आदमी जितना भी अच्छा हो, जितना भी उसका क्वालिटी है, कुछ भी है, लेकिन इसका ऊपर कोई भरोसा नहीं। कभी बेईमानी कर दे, कभी भी आपको साथ बेईमानी कर देगा। प्रभुपाद जी बोले राजा महेंद्र चंद्र जी जो है अंतर से बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन ये जो राजा महेंद्र चंद्र जी, ये जिन लोगों का साथ उठते बैठते थे वो सब बदमाश, सब दुष्ट व्यक्ति, एकदम लोफर। लेकिन राजा सरल थे, राजा उसी को विश्वास करते थे, इसीलिए ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। चलो, नहीं तो जो सब महापुरुषों का साथ संग हो गया, मिलन हुआ था, तो उसमें बहुत कुछ होना चाहिए था, हुआ नहीं। पोपा जी बोले देखो, दुनिया में जिसी को विश्वास करो वही धोखा दे देगा। मीठा मीठा बात बोले, अच्छा खाना दे, अच्छा पहनना, बहुत जतन करे, लेकिन आपका अगर विवेक है, विचार करके देखो वो आपका कितना सत्यानाश कर रहे। अगर थोड़ा भी
चेतना शक्ति आपका है, विचार करके देखो ये आपका मीठा मीठा बात, मीठा मीठा ये सब जो खाना पीना उठना बैठना। बोले महाराज इसके द्वारा कितना आपका सत्यानाश कर रहा है आपको पता नहीं, आप जो पारमार्थिक विषय में पीछे जा रहे हैं आपको पता नहीं। आप बोलते हो वो अच्छा अच्छा साधु है, अच्छा वैष्णव है, ये है वो है, तो हम तो किसी का निंदा नहीं करते, लेकिन आप विचार करके देखना इसमें आपका पारमार्थिक कितना हानि है। हर विषय में आपको विचार करना है कि हमको हमारा पारमार्थिक कितना नुकसान हुआ है या कितना लाभ हुआ है, इसी हिसाब से विचार करना। पूरा जो दिन है, पूरा दिन है, पूरा जिंदगी तो बहुत, पूरा ऐसे हिसाब करना है कि आज जो हमने किया है उसमें मेरा पारमार्थिक हानि कितना हुआ, लाभ कितना हुआ है। गुरु वैष्णव बाबी कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं, बहुत सारे बहुत परीक्षा लेते हैं, देखते हैं वो के हमारे ऊपर विश्वास रखता है कि नहीं, कि माँ कैसा करे, ये सब विचार परीक्षा करके तब रखते हैं, परीक्षा कर लेते हैं बहुत। और ठाकुर जी ऐसा चालू है, भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी जिसको जिंदगी में कृपा करे ग्रहण करे उसको एकदम परीक्षा करके ही ग्रहण करे। गुरु वैष्णव जैसा परीक्षा उससे कम नहीं, बहुत ज्यादा परीक्षा करे। ठाकुर जी जिसको जिंदगी में ग्रहण करे उसको ठोक पीट कर देख कर वो ठीक सही है कि नहीं तब ग्रहण करे। जैसे एक मिट्टी का कलसी बाजार में खरीदने जाओ तब उसको देखोगे आवाज कैसा, टंग टंग और ठक ठक क्या है, उसके बाद उस कलसी को आप खरीदोगे। ऐसा ही है गुरु वैष्णव भगवान जो है बहुत सारे परीक्षा लेते रहते हैं, इसके बाद जो है तब ग्रहण करते हैं। तो आज जो विचार पंचम स्कंदों का शुरुआत होने जा रहा है, इधर भी यही विषय का हम शुरुआत किया, क्योंकि ये विषय देखोगे इधर कैसा। प्रिय व्रतों का नाम पहले बताया था, उत्तानपाद का लड़का, उत्तानपाद उत्तान ये मनुपुत्र, मनुपुत्र उत्तानपाद और प्रिय व्रत, मनुपुत्र उत्तानपाद मन उदासीन है इसे बड़ा उदास है, कुछ विषय है आपको बाद में हम बोलेंगे। तो मनुपुत्रों का, मनु का दो पुत्र है, एक प्रियव्रत एक उत्तानपाद। उत्तानपाद का कहानी आप सुने होंगे पहले, ध्रुव महाराज जी का कहानी इत्यादि बताएं, ध्रुव का पुत्र उत्कल, ऐसा करते करते सब बताएं। अब ये प्रियव्रत जो है ये सबसे बड़ा लड़का है, लेकिन बड़ा लड़का होने से भी वो पिताजी से इनकार कर दिया, हम संसार आदि नहीं करेंगे, हमको राजा नहीं बनना है, इस सब में नहीं पढ़ना है, हमको भजन करना है, बोल के चला गया। अब जाके ऐसा भजन शुरू किया तो बड़ा आश्चर्य का भजन, और नारद जी उसका गुरु बना। नारद जी तो यही काम में लगे रहते हैं, कभी किसी को कृपा कर देते हैं, ठाकुर जी का चरण में पहुंचा देते हैं। यही प्रिय व्रतों जो हैं भजन शुरू किए। परीक्षित महाराज का क्वेश्चन है, परीक्षित महाराज ने बताया राजोवाचो, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि प्रिय व्रतो भागतो भागवतो आत्मारामः कथं मुने गृहे अरमतः जन्मूल कर्मबंध पराभव। प्रियव्रतो भागवतो आत्मारामः कथं मुने, राजा प्रश्न किया है गुरुदेव, प्रियव्रतो तो महाभागवत है, आत्माराम है, कथं मुने हे मुनि किस लिए गृह विषय में गृहस्थी में फंस गया, कैसे गृहे अरमतः जन्मूलः कर्मबंधो पराभव। क्योंकि प्रायः गृहस्थ जिंदगी जो है इसमें बंधन ही बंधन होता है, ऐसा नहीं कि गृहस्थ होने से ही बंधन होगा, ऐसा हम नहीं कहते,
लेकिन प्रायः ये देखा जाता है कि गृहस्थ गृह मेधा दो चीज है, एक है गृह मेधा, एक है संकीर्तन मेधा। गृह मेधा और संकीर्तन मेधा इस विषय में काल हम चर्चा करेंगे, समय खूब कम है, काल सुबह में सुबहकालीन अधिवेशन में। यह गृह अरमत जन्मूल कर्मबंध पराभव, गृह गृहस्थी में फंस जाने का मतलब है ये जिसका मूल है कर्म बंध और पराभव। पराभव मतलब भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, आत्मा का पराजय हुआ, जीवात्मा का पराजय में भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, ऐसा होता है। कैसे ऐसे किया, क्यों, किस कारण ऐसा कि न नूनम मुक्त संज्ञानम तद्रीशाणम दिजर्सव गृहेशु अविनिवेशु अयम पुंसाम भवितुम अर्हति। न नूनम मुक्त संज्ञानम तद्रीशाणम दिजर्सव, ऐसा जो मुक्त संग है, मुक्त कुल है, दिजश्रेष्ठो प्रिय व्रत के मापिक मुक्त संग मुक्त पुरुष निश्चित परिमाणे गृहो गृहो जो गृहो गृहस्थी में उसका मन किसी भी हालत से रमन नहीं कर सकता। कैसे ऐसा संभव हुआ, इसका कारण क्या है। महत व्यक्ति जो है, जितना सारे महत व्यक्ति है, महत व्यक्ति मतलब जो भगवान का चरण को हृदय में पकड़ कर जीता है, वही तो महत है। महत व्यक्ति किसको बोले थे, महत मतलब महत व्यक्ति वो है जो हृदय में भगवत चरणारविंद को अवरुद्ध करके जीवन जिंदगी को गुजार रहे, भगवान का वाणी, भगवान का कीर्तन कथा ऐसा, और तमाम जगत का मंगल का चिंतन करते रहते हैं। महाराज कैसे जगत का मंगल हो, जगत का कैसे परम मंगल हो, यही महत व्यक्तियों का लक्षण है। महत व्यक्ति का लक्षण बताएंगे 11 स्कंद में कृष्ण भगवान। और महताम खुल विप्रर से, हे विप्रर से, महताम खुल विप्रर से उत्तम श्लोक पादयो छयान निवृत्त चित्वानम न मुकुंद स्प्रियामति। छाया निवृत्त चित्वानम न मुकुंद न कुटुंब स्म्यामुत, छाया निवृत्त चित्तानम न कुटुंबे स्प्रियामुति, मुकुंद नहीं। महतम खुल विप्रर से, निश्चित परिमाणे महत व्यक्ति जो उत्तम श्लोक पादयो, उत्तम श्लोक भगवान का चरण छाया, भगवान का चरण कमल का जो छाया, ये छाया का नीचे रहता है छत्र, चरण मतलब छत्र जैसा, ऐसा करके जो जिसका जिंदगी है, जो ठाकुर जी का चरण को छाता बना के रखा है, उत्तम अशोक उपाध ये छाया निवृत्त चित्वानम, निवृत्त चित्त हो गया, उसका चित्त में कोई वासना कामना वासना तो नहीं होनी चाहिए, नहीं है। जो ठाकुर जी का चरण कमल का छाया में रहता है, गुरु चरण छाया में रहता है, गुरु वैष्णव का, उसके लिए कहना ही क्या है, संसार का कोई भी विषय उनको आक्रमण नहीं कर सकता, छो भी नहीं सकता। इससे वे छाया निवृत्त चित्वानम न कुटुंबे स्प्रियामति, कुटुंबी में, कुटुंबी मतलब गृहस्थी में, जो घर गृहस्थी में जितना कुटुंब है, रिलेशन है, रिश्तेदारी, वो जितना सारे है, कुटुंब है न कुटुंब स्प्रियामति, उसका कुटुंब भरण में कोई मन नहीं टिकता, रहता नहीं। अब ऐसे कैसे हो गया, इसीलिए एक संशय प्रकाश किया परीक्षित महाराज, ये प्रश्न किया, ये इस विषय में बड़ा बड़ा भारी संशय आ रहा है मेरे हृदय में। संशयो अयम महान ब्रह्मन दारागारो सुतादिशु सक्तस्य यत् सिद्धिर अभूत कृष्णे च मतिर मतिरच्युता। और हे ब्राह्मण, हमारा ये बड़ा संशय हो रहा है को स्त्री पुत्र गृह इस विषय में आसक्त प्रिय व्रतों का सिद्धि लाभ कैसे हुआ, सिद्धि कैसे हुआ, एवं श्रीकृष्ण में अचल अविचलित भक्ति कैसे हुआ, अर्थात गृहासक्त व्यक्ति सिद्धि बा भगवान में रोती तो प्राय होना नहीं चाहिए, होता नहीं है।
इस विषय मेरा बड़ा संशय हुआ, इस विषय में मेरा अंदर में बड़ा संशय रहा है, भ्रमित हो रहा है मन, अब इसका थोड़ा समाधान करो, उत्तर दे दो। सुखदेव गोस्वामी उवाचो, सुख से सुख वाचो, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपने ठीक ही बताए, आपका बात आपका संदेह जो है उसमें कोई ऐसा कोई बेकार संदेह नहीं, अमूलक नहीं है, इसका मूल है आपका बेसलेस नहीं है, उसका कारण यथेष्ट है। शिशुक वाचो बारम उक्तम भगवतो उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशीत चेतसो भागवतो परमहंस दयितो कथां किंचिदंतराय विहितं स्वाम शिव तमाम पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। बोले सुखदेव गोस्वामी बोले आपने तुमने जो प्रश्न किया बोले बड़ा ठीक प्रश्न किया। बड़म उक्तम भगवतो उत्तम श्लोक सस्म चरणारविंद मकरंद रसो आवेशितो चेतसो भागवतो परमहंस द्वैत कथायम किंचिदंतरायो विहितम स्वम शिवतव शिवतमाम पदवीम न प्रायण हिन्नती। तुमने ठीक ही बताया, देखो पुण्य श्लोक भगवान का जो श्री चरण चरण कमल जो चरणारविंद मकरंद जो रस है, इन रसों में जिन लोगों का चित्त जिन साधु संतों का जिस भक्तों का जिन भक्तों लोगों का चित्त आवेशित चित्त हो गया मकरंद रस में, ये ठाकुर जी का चरण कोमल जो मकरंद रस है इसमें आवेशित चित्त हो गया, नशा हो गया, ऐसा जो जे सब पुरुष है व्यक्ति है ये लोग भगवान का कथा को ही अपना परम मंगल पदवी ज्ञान करके रखे हैं। भगवान का कथा को कीर्तन को बिल्कुल छोड़ते नहीं, बस किसी भी हालत हो जाए आ कोई भी कारण कदाचित इसका जिंदगी में भजन में थोड़ा बहुत रुकावट आ भी जाए तो वो भी टिक नहीं पाता, थोड़ा बहुत रुकावट अगर थोड़ा बहुत आ भी जाए तो लेकिन ये जो रुकावट है ये टिक नहीं पाता, वो लोग निकल जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ भगवान का चरणामिंदो वो किसी भी हालत छोड़ नहीं सकते। वास्तव सिद्धांत तो ये है जो लोग गुरु वैष्णव चरण आश्रय करते हुए भजन कर रहे हैं इन लोगों में वो लोग सौभाग्यवान हैं जो सच्चा गुरु वैष्णव का वास्तव संग मिला, हरि कथा मिला, उच्च संगो मिला। अब ऐसा जो मिला है जो अपराकृत जगत का जो भक्ति रस है मतलब शुद्ध भक्ति का थोड़ा बहुत टेस्ट, शुद्ध विशुद्ध भक्ति का थोड़ा बहुत टेस्ट जिन लोगों को मिल गया उन लोगों के लिए हरिभजन छोड़ना बहुत मुश्किल है। शुद्ध भक्ति का टेस्ट मिल गया, जैसे एक घटना याद हो गया, उदाला बोल के एक जगह है, वो जगह का घटना बहुत दिन पहले का, एक अंग्रेज ने एक जंगल से एक शेर एक टाइगर को लेके आया, बाघ बच्चा उठा के लाए उसको घर में कुत्ता का माफिक पालन किया, कुत्ता का माफिक उसको पालन पोषण किया, खाना उठना बैठना दूध देते सब कुछ देते खाना पीना सब कुछ ऐसा करके पालन किया। पालन करते करते वो भाग तो बहुत बड़ा गया, कौन घर में आए भाई, सिंगों भी पालन करते हैं, ऐसा पागल है फॉरेनर लोग रहे है, कभी कभी ऐसा है सिंगो हम देखा घर में सिंगो है घूम रहा है, अरे पागल इतना बड़ा किशोर उठ रहा है जैसे कुत्ता का माफी, आश्चर्य हुए ये लोग अभ्यास हो गया। लेकिन ठाकुर जी का ऐसा ही खेल है जो जिसका जो जेनेटिकल फैक्टर जो है, जेनेटिकल फैक्टर तुम्हारा जो जेनेटिकल फैक्टर है वो विरुद्ध परिवेश में एक्सपोज हो जाएगा, तुम जितना भी छुपा के रखो तुम्हारा जो स्वभाव है चारित्रिक स्वभाव है जेनेटिकल फैक्टर बोलता है विज्ञान में,
वो अगर कोई अपोजिट पोजिशन उसमें एक्सपोज हो जाएगा तुम्हारा चरित्र स्वभाव क्या है। और जिसका भक्ति करते करते वैष्णव संघ ऐसा हो गया उसको जितना भी विपरीत वो उसका वो मिट गया, निशाना नाम और निशाना मिट गया। बामन गोस्वामी महाराज भी ये कहते थे कौन व्यक्ति किस खानदान में पैदा हुआ एक बड़ा फैक्टर है, ये बड़ा काम करता है भजन में। ये जो बात ये मामूली बात नहीं, लेकिन जब वो परम वैष्णव बन जाता है तब वो कौन खानदान में पैदा हुआ ये सब मत तूलो, वो सब बात उठते वो सब विचार आता ही नहीं। जब परम वैष्णव बन जाता है तब उसका हृदय में और ये सब पुराना कुछ चीज है ही नहीं, रहता नहीं। जब तक परम वैष्णव बना नहीं, अभी आधा कच्चा है कुछ है, इस अवस्था में पूर्वाश्रम का अर्थात पूर्व जो जेनेटिकल फैक्टर थोड़ा 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 उसको पिंच करे, वो घूम घूम के आएगा। लेकिन शुद्ध वैष्णव हो जाए तो उसका बात और कोई विचार नहीं आता। यहां तक तो हम चैतन्य चरितामृत में ये भी बताया था जो किवा विप्रो किवा नासी शूद्र कहने नय, जय कृष्ण तत्वव्यता सही गुरु है, गुरु हो जाता ऐसा भी है, गुरु हो जाता गुरु तत्व में प्रतिष्ठित होके स्वयं गुरु हो जाता ऐसा भी होता। लेकिन जब तक ये हो नहीं पाए, भजन पूरा नहीं हुआ, कच्चा है, उस अवस्था में हमने सुबह में जो बताया था उसमें आप लोगों का गुस्सा हुआ होगा, लेकिन आप ध्यान से विचार करना मैं किस लिए बताया, क्योंकि कच्चा अवस्था में संग जो है इस बड़ा काम देता है। कच्चा अवस्था में इन जो परिवेश में साधु रहता है, जो नया आया है भजन में, जो नया आया है उसका लिए जो परिवेश है वो सबसे बड़ा काम करेगा। जो नया कच्चा आया है उसका लिए अगर परिवेश उल्टा दे दो वो भजन नहीं कर सके, वो घर चला जाएगा। लेकिन ये सब बात हमारा मानता नहीं है सब लोग, प्रमाण नहीं कर सकता, हमारे सामने आके तर्क नहीं कर सकता। नया जो है आता है उनका लिए पूरा अनुकूल परिवेश देना चाहिए, थोड़ा बहुत धीरे धीरे जब समझ में आए तो उसका लिए अनुकूल प्रतिकूल कुछ काम नहीं करेगा, सब अवस्था में अनुकूल। लेकिन ये अवस्था बहुत बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा। जो जितना ऊंचा संग करता है उसका उतना ही लाभ होता है, उसको उतना ही लाभ होता है। जो जिंदगी में जितना ऊंचा संग करता है उसका उतना ही लाभ होता है। और जो संत महात्मा का साथ रहता है, अपराध करता है, दोष दर्शन करता है, और उसका तो छुट्टी हो जाता है, कुछ नहीं होता। इसलिए ये जो कहानी हम बोला इसलिए बोला, देखो ये जो शेर जो है घूमते रहते बहुत दिन तक, रहते रहते एक दिन वो जो अंग्रेज जो है वो तब के जमाने में वो पेंसिल को, पेंसिल है ना वुडन पेंसिल, उसको छिल रहा था, छिलते छिलते हाथ कट गया और उसका खून जो है नीचे गिर गया। नीचे गिरते वो कुत्ता का मैं भी घूम रहा था और तो है तो टाइगर बाघ है, उसका तो खून तो ऐसा ही है। वो उसके स्मेल आया, मेल आके उसको जाकर थोड़ा चाटा, चाट के देखा उसके हाथ से आ रहा है, बस तुरंत उसको एकदम खा लिया उसको, पूरा टेस्ट मिल गया। टेस्ट जो है ऐसा है, हिंस्र जानवर जंगली जानवर जो है वो जो भी जितना भी करो ऐसा ही है। गौरकिशोर दास बाबा जी मैं बोलते थे हमारे दुष्ट मन को सुबह में उठकर 100 घाट जूता लगाना चाहिए, एक गाल में एक गाल ऐसा गौरकिशोर दास बाबा जी मैं बोलते थे। किसी का हिम्मत नहीं है जगदानंद भूमिवर्त का व्याख्या करे। हम तो ऐसे बोलते हैं, वो सोचते हैं महाराज ऐसा बोलता है, हम तो दुख के ध्वस अपराकित दुख है मेरा। किसी का हिम्मत नहीं है जगदानंद भूमिवर्त का व्याख्या करे, खोलो कुल को व्याख्या करो, तब तो शिष्य भी समझ जाए शिष्य कैसा है और गुरु कैसा है, वो भी शिष्य को समझ जाए, शिष्य समझ जाएगा, दोनों समाधान हो जाएगा तुरंत, इतना झमेला का कुछ नहीं है। कहाँ खुलो हरि भक्ति विलास इतना मोटा गुण तो कौन विचार करने जाए, समय कहाँ है, एक एक चूल चेरा विचार है उसमें। गोस्वामी लोग पागल नहीं है, सब वो सब दिया हुआ है,
गुरु का लक्षण, शिष्य का लक्षण कैसे कैसे चलना चाहिए, तब तब व्यवस्था बन पाएगा, कोई मानेगा ही नहीं। हमको बोलेगा पागल, बोले ये महाराज पागल है, उल्टा बोल रहा है, बोलेगा ऐसा ही जमाना आ गया। तो जो भी है, जो ये जो है प्रिय व्रतो जो है ये मनु पुत्र है, मनु की साधारण नहीं, इसका जन्म जो है मनु जो, अब मनु जो है मनु बड़ा दुखी हो गया क्योंकि बड़ा लड़का संसार छोड़ के चला गया, अब क्या किया जाए, इसको वापस लेने के लिए बहुत प्रयास प्रचेष्टा किया, लड़का को वापस ले आए, नहीं तो होगा नहीं बोल के ब्रह्मा जी को शिकायत किया। ब्रह्मा जी को बोले, पिताजी को, ब्रह्मा जी को बोला आपका पोता जो है वो किसी भी हालत से संसार करने के लिए तैयार नहीं है और घरवार सब छोड़ के चला गया और जाके कहाँ भजन में चुप गया, बोलो अब आप थोड़ा व्यवस्था करो, आपके बात अगर माने तो ठीक है। ब्रह्मा जी बोले ठीक है चलो। ब्रह्मा जी उनके साथ, हम तो संक्षेप में बोल रहे हैं, हमको क्षमा करना सब, भले सब ब्रह्मा जी संग में लेके, मनु को संग लेके जहां प्रियव्रत भजन कर रहा था और नारद जी महाराज उसको उपदेश दे रहे थे, वो पहाड़ में, पहाड़ी चट्टी में गुफा का अंदर वहां पहुंच गया, वहां पहुंचा। इस समय जो है जब पहुंच गया तो पितामह भीष्म को देखकर, हंसवाहन पितामह भीष्म को देखकर घबरा गया, अरे पितामह भीष्म आ गया कैसे, नारद जी भी खड़ा हो गए और शिष्य जो है प्रियव्रत वो भी खड़ा हो गए, क्या हुआ। बोले महाराज ये पितामह भीष्म को दंडवत किया, अर्चन किया और बोले बेटा ऐसा है कि तुम संसार छोड़ के आ गए हो और ऐसा अवस्था में तुम्हारा जो स्थिति अभी है, तुम भजन करने के लिए आए हो लेकिन मेरा जो विचार है, मेरा जो आपका ऊपर जो 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 विचार हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। बोले ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, देखो निबोधो तातमे निबोधो तातेदम अमृतम बब्रिमि मा सुयितुम देवम मरहसि अप्रमेयम वयम भवस्ति यतो एसो महर्षिर वहाम सर्वे विवसा यस्सदिष्टम। तातो बेटा मेरा बात को पर हिंसा नहीं करना, खूब ध्यान से विचार करना। देखो मैं और मेरा सा शंकर आदि जितना सारे आधिकारिक देवता है सब ठाकुर जी का, वयम भव माने शंकर, वयम भवस्ते तत एष महर महर्षिर वहाम सर्वे वहाम यस्सदिष्टम। यस्स माने कस्य, ईश्वरस्व परमेश्वरस्व, जो हम ब्रह्मा कह रहे कि हम और शंकर अर्गाथा भव सारे जो है जिसका आदेश पालन करने के लिए हर वक्त प्रस्तुत है, पालन कर रहे हैं, जस्वदिष्टम जिसका आदेश पालन तातो, और ये अप्रेम्यो ठाकुर जी जो है इसका प्रभाव जो है, तो और ये सोचो कि साक्षात हरि ही मेरा मुख में मेरा जवान पे ये कह रहे हैं, ठाकुर जी का कृपा से मैं कह रहा हूं, मेरा कथा का ऊपर इसका ऊपर मां श्वेत हो, इसका ऊपर कोई माने ऐसा अश्वा नहीं करना, करने से उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा करके विचार शुरू किया। ब्रह्मा जी का कहना है कि आप जो इधर आ गए हो जंगल में और इधर से आप ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए इधर बैठे हो, आप वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा है जो संसार को जय प्राप्त करके अगर संसार में रहे इसमें नुकसान क्या है, संसार को जय संसार का ऊपर जय प्राप्ति करके अगर संसार में रह जाए उसमें नुकसान कुछ है बेटा, कुछ तो नुकसान है नहीं, और ऊपर से ठाकुर जी का जो आदेश है
ये भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हम भी ठाकुर जी का आदेश के द्वारा सृष्टि प्रपंच रचना में इस जगत विषय में लगे हुए हैं। तुम्हारा पिताजी मोनू भी किए और शंकर भी लगे हुए हैं, सारे सृष्टि का जो सेवा दिए हुए ठाकुर जी, ठाकुर जी जिनको जो सेवा दिए हैं सब इस विषय में लगे हुए हैं। और ऐसा है कि तुम एक काम करो, विचार करके देखो, भयम प्रमत्तस्य वनेशोपि शाद यतः सो अस्ते सहसट पत्न जितेन्द्रिय स्वात्म रतिर्बुधस्य गृहाश्रमः किम नु करति अवध्यम। बोले भयम प्रमत्तस्य वनेशोपि शाद, प्रमत्त व्यक्ति जो, प्रमत्त व्यक्ति किसको बोलता है, जो माया में उलझे हुए हैं, माया विषय में जो उलझे हुए हैं, अच्छा खाना अच्छा पहनना सब ये सब विषय में जो उलझे हुए हैं उसको प्रमत्त। प्रमत्त व्यक्ति हर वक्त उल्टा काम करता है, उसका स्थिरता नहीं है, कोई विचार भी हृदय में नहीं है, प्रस्तुत नहीं है कुछ। प्रमत्त व्यक्ति कभी पाप करे कभी पुण्य करे, का करे कोई ठीक नहीं, प्रमत्त व्यक्ति है। जिसका मन गुरु वैष्णव भगवान का चरणों में सन्निहित नहीं है, ऐसा मापिक जितना सारे दुनिया का आदमी सारे प्रमत्त, एक कथा में हो गया। जगत का जितना आदमी सब प्रमत्त है, जगत का जितना सारे आदमी हैं, जितना सारे हैं सारे प्रमत्त। बोले क्यों बोला, बोले उनमें से जिनका मन गुरु वैष्णव भगवान का चरण में लग गया होगा ये प्रमत्त नहीं, क्योंकि वो बड़ा सावधान रहता है। ये सावधान रहना बड़ा मुश्किल है, संसार में रहते हुए सावधान रहना ये कैसे संभव है। हमको कई आदमी प्रश्न करते हैं, महाराज संसार में रहते हुए सावधान कैसे रहे, हाँ सावधान में रह सकते, हाँ क्यों नहीं, संसार में रहते हुए भी आदमी सावधान रह सके ये भी संभव है। वो कैसे, हम लोग देखो संसार में काम करते हुए बहुत सारे पुरुष है, इसका जिंदगी देखो, भक्तिविनोद ठाकुर का बात देखो, भक्तिविनोद ठाकुर पूरा संसार में लगे हुए हैं बाहर दृष्टि से, लेकिन अंतर्दृष्टि से हर भगत भक्ति कर रहे हैं। कौन महात्मा कौन साधु कैसे भक्ति कर रहा है वो पता नहीं चलता, बाहर में किसी का बड़ा तपस्या देखे ही भजन कर रहा है ऐसा कोई विचार नहीं है। ऐसा बड़ा भोजन जो है वो बड़ा इतना गुप्त चीज है, वो समझना बहुत मुश्किल है। हमला देखो, तुमने ये तर्क उठाया पहले जमाने में जो जो है घर का काम करने के लिए एक एक मैया कितना सब काम करती थी। भले देखो दूधिया आया दूध बेचने वाला, इसका साथ पिछले महीना में कितना दूध लिया है उसका हिसाब चल रहा है, इसका साथ साथ बच्चा को गोदी में लेकर दूध पिला रहा है, इसका साथ साथ सब्जी का अमानिया कर रहा है और मुखे में हिसाब चल रहा है कितना काम, मुख के द्वारा पिछले महीना में कितना दूध दिया उसका हिसाब उसका और देख भी रहा है और बच्चा को अपना स्तन का दूध पर पिला रहा है पिला रही है, ऐसा करके सब्जी अमानिया भी चल रहा है, तो तीनों चारों काम एक साथ चल रहा है। फिर भी मैया खूब सावधान रहती है कि कहीं मेरा हाथ वो जो चक्कू में कट ना जाए, तीनों काम एक साथ कर रहा है ना, तीनों काम करते करते इस विषय में हर वक्त ध्यान कि क्यों मैं सब्जियां मैंने कर रहा हूं, मेरा हाथ ना ये जो सर्प जो जो काटने वाला जो भट्टी है छुरी है इसमें मेरा हाथ ना कट जाए। ऐसा ही है जो सावधान गुरु वैष्णव है, कभी भोग को स्वीकार नहीं करते, अंत से भोग या त्याग दोनों का एक भी नहीं स्वीकार करते। बद्धजीव का मालूम नहीं बोले महाराज कैसा विचार है, एक वास्तव साधु का जिंदगी में ना तो भोग ना तो त्याग, भोग भी नहीं करते आप प्रमाण नहीं कर सकोगे और त्याग भी नहीं है, कि त्याग करे तो क्या त्याग करे, त्याग करने का क्या चीज है, क्या चीज है जो तुम्हारा दुनिया में जो त्याग करके दिखाओगे, त्याग तुम्हारा कोई है ही नहीं, तुम्हारा क्या त्याग करोगे।
ये जिंदगी में तुम्हारा बोल के कुछ है ही नहीं चीज, यहां तक कि तुम्हारा जो शरीर है ये भी तुम्हारा नहीं, तो तुम क्या तक करोगे, क्या क्या तक करोगे तुम। वृंदावन में परिक्रमा लगाते लगाते, हम तो परिक्रमा लगाते ठाकुर जी की कृपा से, गोवर्धन परिक्रमा प्राय लगाते हैं, वो उसमें देखा एक आश्रम का ऊपर लिखा हुआ है, ये आश्रम का वहां नजर गया, अचानक माला करते गए तो बड़ा आश्रम बहुत अच्छा है लिखा हुआ, महात्यागी जी महाराज का आश्रम, महात्यागी जी महाराज का, हमारे इतना हंसी आया, अरे वाह लिखा हुआ महात्यागी जी महाराज का ये आश्रम है, अरे वाह महात्यागी जी महाराज का आश्रम है, वो महात्यागी जी है ये जो एडवर्टाइजमेंट देके रखा है हमने, महात्यागी है ए? वो अगर हमारे साथ मिलता प्रश्न करते महाराज क्या क्या त्याग करके रखे हो जिंदगी में, जो महात्यागी जी बन के हमारा ख्याल से ठाकुर जी को ही त्याग करके रखा है, इसलिए महात्यागी जी महाप्रभु महाप्रभु महात्याग महार्णव महाशब्द लगा दिया, ये हमारा विचार है आप ठाकुर जी को ही त्याग करके रख दियो, मायावादी है, मायावादी छोड़ के ये टाइटल कभी यूज नहीं कर सकता, संभव नहीं, एक मायावादी का सा आज की आनंद की जय, ये मायावादी का लक्षण है। हम बोला महाराज आज आपका क्या क्या आनंद हुआ, जब आज की आनंद की जय, खीर पूरी खाया है परोठे खाया है, आज की आनंद की, ये मायावादी का लक्षण है, मायावादी छोड़ के शुद्ध हो तो कभी ये सब जयकारा नहीं दे, मायावादी है विचार, आज की आनंद की क्या क्या आनंद हुआ, आज खीर मिला हलवा मेरा, आइए इस बात का आनंद है और किस बात का आनंद है बोलो। तो ये जो है दुनिया में श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, एक दिन परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज के बाद हरि कथा सुना, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तब महाराज ब्रह्मचारी थे, महाराज जी हीरा हरि कथा बोलते बोलते एक दिन मजा में बोले देखो दे महाराज कथा बोलते थे, कलता बोल श्रीधर गोस्वामी महाराज हरि कथा सुना, उसमें महाराज विचार दिखाया ना त्याग और भोग दोनों ही हमारा कोई विचार का विषय नहीं। तो हम हैरान हो गए, हम बचपन से सोचा कि त्यागी हो तो बहुत काम, त्यागी भोगी है, भोगी का निंदा है, त्यागी का क्या है, त्यागी तो अच्छा है। तो हरि कथा के बाद महाराज का कमरे में पहुंचा, महाराज एक प्रश्न है मेरा पास, क्या प्रश्न है, बोले आपने बोला त्याग भी त्याग भोग भी त्याग, भोग तो त्याग है लेकिन त्याग भी त्याग है। महाराज तब समझाए देखो हमारा युक्त वैराग्य है, युक्त वैराग्य का इतना सूक्ष्म विचार है, उसमें एक बाल बाल का भी डिफरेंस, इधर आओ तो भोग बन जाए, एक चूल इधर आओ जो त्याग माने त्याग भी नहीं ठाकुर जी का सेवा, ये जो सूक्ष्म विचार है इसमें बद्धोजीव भ्रमण नहीं कर सकते, उल्टा हो सकता, उल्टा हो जाए। एक दफे परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज का उत्सव में कोई प्रसाद पाया किसी साधु ने, पाके उनके गुरु जी यह है शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी का गण है, महाराज आज हमारा जो प्रसाद है प्रसाद में बेगुन आ गया था, क्या करे हमारा व्रत नष्ट हो गया। बोला महाराज बोला देखो तुम परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज का उधर गया, हम जानते नहीं किस लिए वो बेगुन इस्तेमाल किया, वो तो देते नहीं, और बेगुन आप खा लिया ऐसा विचार क्यों कर रहे हो, इतना बड़ा महापुरुष का उत्सव में गया आप सोचो कि प्रसाद पाया, ऐसा विचार करोगे तो आपको मर्त्यबुद्धि आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा छोटा सा बेगुन का टुकड़ा आपका पूरा चौमासा खराब कर दे, इतना दूर ये छोटा सा टुकड़ा जो है ये आपको भजन से फेंक दे, कैसे हो सकता, ऐसा विचार मत करो। वो कई किस्म का विचार है, इससे हम ये नहीं बताए कि क्या कार्तिक महीना में एकादश में बेगुन का, ऐसा हम नहीं, ये महाराज जी का विचार बताया थोड़ा। तो इधर जो है महाराज भयम प्रमत्तस्य वनेषु पिशाद यतः सास्ते सहसोट पत्न्य यतेन्द्रिय स्वात्मरतिर उदस्य गृहश्रम किंग नु करति अवद्यम। ब्रह्मा जी ने बहुत सारे चीज समझाया अपना पोता को, समझाने के बाद कह रहे हैं कि भयम प्रमत्तस्य वनेषु पिशाद, देखो जिसका संसार जैनी हो, जो बात हम आपको समझा रहा था वो जो विचार प्रस्तुत किया उसका बात
उसका क्या मकसद है? बोले उसका ये है, सारे जगत जो है वो प्रमत्त है। एक गुरु वैष्णव भगवान में जो आस्था रखने वाले 100% विश्वास, गुरु वैष्णव जो भी करे उसमें कोई दोष नहीं हो सकता, हो सकता, हो सकता, हो ही नहीं सकता। हमारा आंखों का गलती है, हमारा विचार का गलती है, वो ही नहीं सकता। वो दोष निर्दोष वैष्णव, निर्दोष बदान्यो, बहुत सारे गुण है, 26 गुण देख लेना। वैष्णव का गुण छोड़कर दोष है ही नहीं, तुम तो दोष देख दिया, हो ही नहीं सकता। ये हमारा आंखों का गलती है, विचार का गलती है, ये हो ही नहीं सकता। तो ऐसा विचार करना, गुरु वैष्णव में 100% विश्वास। जिस गुरु वैष्णव में भगवान में जिसका विश्वास है वो प्रमत्त कभी नहीं है, प्रमत्त नहीं हो सकता। और प्रमत्त व्यक्ति का हर वक्त वन में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, जंगल में जाके क्या करोगे? जंगल में भाग के जाओगे ना, जाके क्या करोगे? बोले महाराज भजन करे, ठीक है भजन करो, लेकिन तुम्हारा जो बद्ध मन है, तुम्हारा जो मेटेरियल माइंड जो है, उसी मन को तो लेके जंगल में गया ना, मन को तो छोड़ के नहीं गया। शरीर गया, शरीर के साथ आपका बुद्धि गया, शरीर के साथ आपका बुद्धि गया, मन गया, सब तो आपका साथ, सूक्ष्म शरीर जो है आपका शरीर का साथ तो गया। और वो बद्धो मन है, वो बद्धो बुद्धि है, बद्धो मन आपको क्या करे? और जंगल में भी जाके भी मन का शांति नहीं, मन को शांति, मन का कोई शांति नहीं, क्यों? हर वक्त बेचैनी है। वही बद्धो मन को लेके आप गए हो, उधर जाके उठपटांग, चिंता आ रहा है, विचार आ रहा है, तो फायदा कैसा? जंगल में गए हुए आप सब छोड़ के, बाहरी दृष्टि में बड़ा बड़ी त्यागी बन के गए हो, लेकिन जंगल में जाने का बाद भी आपका फायदा क्या हुआ? वही तो जड़ मन और जड़ बुद्धि को लेके गया, तो फायदा तो कुछ है नहीं। जंगल में जाओगे को भजन करने बैठो, नाम करने, वही मन में दुनियादारी का जितना चीज अभी जितना चीज सामने में है, और जंगल में जाओ वही चीज आएगा सूक्ष्म रूप, इधर जैसा स्थूल रूप में, यहां जैसा स्थूल रूप में लड़का लड़की स्वामी सब है, वहां जंगल में आएगा सभी चीज आएगा, लेकिन सूक्ष्म रूप में आएगा, स्थूल रूप में नहीं है। अब छोड़ के गए हो, मेरा बात ध्यान देना, इधर स्थूल मेटेरियली जगत का विचार के अनुसार आप छोड़ के गए। अब बाहर में लोग बोलेगा देखो लड़का लड़की स्वामी सब छोड़ के चले गए, वो ठीक है, लेकिन जो जहां गए हो वहां जाने के बाद आपका मन में विषय का जो संबंध है, स्वामी पोता पोती लड़का लड़की जामात, ये सब विषय जो है, दोस्त है, इसका पूरा रिलेशन मन में जबरदस्त आपको पकड़ के रखे हैं। इस समय आपका क्या बेनिफिट हुआ? ब्रह्मा जी का कहना है कि तुम्हारा बेनिफिट क्या हुआ, बोलो। एक दार्शनिक विचार है ये, जे जैसे ये जो आकाश है, आकाश में जैसे चांद सितारे सब कुछ है, सब आसमान में सस्पेंडेड है, आसमान में है ना, आसमान में तो है, कौन पकड़ के रखा है कौन जाने, लेकिन आसमान पे है सारे। जैसे आसमान में जितना सारे चांद सितारे सूरज चंद्रमा सारे जैसे आसमान में रहता है, ऐसा ही आपका मन का आकाश, मन आकाश जैसा ही है, थोड़ा बहुत सिमिट्री है। इस मन में दुनियादारी का जितना विषय जो है वो सस्पेंडेड अवस्था में, मेरा बात समझ में आया? सारे मैटर्स विषय जो है सब है, लेकिन सूक्ष्म रूप में सस्पेंडेड अवस्था है। जब तक ये विषयों को आप हृदय से नहीं हटा पाओगे तब तक हरि भजन असंभव है। तो संसार में रहते हुए अगर संसार को जय कर सको तो आपका घर आपका लिए क्या बन जाएगा? दुर्ग बन जाएगा, फोर्ट। फोर्ट जानते हो, फोर्ट किला, किला। किला में रहते हुए जो आदमी युद्ध करता है, जितना सारे राज राजा का किला दिखा, इलाहाबाद का किला, भरतपुर राजा का किला हमारा वृंदावन में है, कामबन में बड़ा बड़ा किला देखा है हमने, बड़ा इतना बड़ा बड़ा किला, और दिल्ली में रेड फोर्ट, लाल किला, देखो घबरा जाओगे, कितना कई किलोमीटर लेके घेरे हुए है, उसमें सब छेदा है, फूटा,
हुटा में सब बंदूक लेके खड़ा हो जाए, कोई आगे तो उसमें गोली गला। एक बैटेलियन जो है वो पहले युद्ध करे 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, उसके बाद वो थोड़ा क्लांत हो जाए तो नया बैच आ जाएगा, वो गोली पकड़े खाना पीना करके आ जाए और उसको बोले जा तू रेस्ट ले, रेस्ट लेने के जाएगा। और वही किले का अंदर में खाने का व्यवस्था जितना सारे हमने देखा बद्रीनारायण में कि गया बहुत गिद्धर बद्रीनारायण में मिलिट्री लोग जो है वहां रहता है, क्या जाने कैसे हम किसी व्यक्ति अलाउ नहीं है, उधर लिखा हुआ है कोई व्यक्ति ऊंखी भी मारे उसको मारेगा, नियम नहीं। ठाकुर जी का क्या विचार, एक मिलिट्री लोग बोले बाबा अंदर आ जाओ, हमारे तो लिखा है नो एंट्री महाराज, बोले वो ठीक है चो आ जाओ। अंदर बैठा के हमारा साथ गल्प किया और हमको प्रश्न किया, हम भी थोड़ा प्रश्न किया, बोले महाराज इधर 6 महीना का हमारा खाना पीना केरोसिन तेल सब कुछ मौजूद है, गैस फैस सारी 6 महीना के, बोला हाँ 6 महीना हमारा पूरा बैटेलियन रहे तो खाना पीना सब चलेगा, कुछ नहीं होने वाला। और बहुत गप हुआ, कहाँ से आए हो, बोले उसी देश हिमाचल से आए हैं और हमारे साथ बातचीत हुआ। बोले बाबा जाने का टाइम में आप जो वैष्णदेव को पूजा करके जाओगे प्रसाद दे के जाना थोड़ा, हम बोला हाँ ठीक है प्रसाद दे के जाएंगे। और बातचीत हुआ फिर हम निकल गए बद्री का आश्रम जो है वहाँ। तो ये जो है हमने देखा उकेला जैसा, क्योंकि चीन का बॉर्डर है, चीन का बॉर्डर है, वो चीन अगर आक्रमण करे तो उसको रेडी रहना पड़ेगा सारा 6 महीना के लिए। उसी थोड़ा थोड़ा कई किलोमीटर 1 किलोमीटर जाओ तो उसमें 100 धारा आएगा, 100 धारा, घबरा जाओगे डर जाओगे ऐसा है। और सरस्वती नदी ऊपर से बहती हुई आ रही, मैंने बड़ा कोशिश किया कि एकदम खड़ा है, एकदम खड़ा, हमने सोचा कि सरस्वती देवी को आज स्पर्श करके ही रहेंगे, नाना तो संभव नहीं पहाड़ी है। धीरे धीरे उतारना शुरू किया, एक किसी ने देखा बोले महाराज बिल्कुल मत जाओ, नीचे में जा नहीं सकोगे आप, इतना खड़ा है। हमने बहुत देर तक गया, उसका बाद फिर पीछे आएगा, बोला बोलो रिक्स मत लो, ये होगा नहीं संभव नहीं। ऐसा है, ऐसे तो गोमुख का भी ऊपर गया कोई किलोमीटर, ठाकुर जी का कृपा गुरु जी का कृपा से गोमुख का ऊपर कई किलोमीटर ऊपर, जहां जाना सख्त माना है, बिल्कुल कोई जा नहीं सकता ऐसा। वहां ठाकुर गिर भी गया था 2-3 बार, कुछ नहीं हुआ, गिरे तो एकदम बर्फ का पहाड़ है, पत्थर नहीं है कुछ नहीं है, जो भी है ठाकुर जी का ही। जो दुर्ग है फोर्ट जो है, फोर्ट ऐसा है जिसमें आपका खाने पीने का व्यवस्था सारे रहे और युद्ध करने का व्यवस्था भी रहे। तो ऐसा अगर विचार करके चले कि आपका संसार का जो विषय है, संसारी जीवों का जो जितना सारे विषय है, इस संसार का ऊपर अगर आपका जय प्राप्त हो गया तो आपका संसार में रहना कोई मुसीबत नहीं है। क्यों आप ये संसार को सोचोगे ये मेरा फोड़ जैसा है दुर्ग, क्योंकि शरीर खराब रहता है, कभी कभी मुसीबतें आते रहते हैं और वो कई सारे समस्याएं आते रहते हैं। इस समय जो है आपका जो संसार में खाना पीना रहेगा, सारे व्यवस्था रहे और इसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर संसार जय करके उधर हो तो लड़का लड़की क्या नुकसान करे, कुछ तो नुकसान नहीं कर पाए। भक्ति विनोद ठाकुर जी का कितना लड़का था लड़की था, कुछ हुआ हर वक्त? शिवास पंडित जी का कुछ नहीं हुआ, शिवानंद सेन जी हैं, इनके जो संसार है संसार में क्या हुआ, कुछ नुकसान हुआ था? कुछ नहीं हुआ। हर वक्त ये लोगों का संसार जो है ठाकुर जी का संसार है, लेकिन ये जो बैलेंसिंग है ये संभालना बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत ईजी है, लेकिन इसको हृदय में लाना इट इज टू टिपिकल। हृदय में अनुभव को लाना जो सारे ठाकुर जी का है, हम तो इधर है तो तुम्हारा संसार जो है समय पे वक्त पर खाना, समय जो है समय पे खाना मिल जाएगा, सारे व्यवस्था हो जाएगा। और जंगल में जाओ तो कभी खाना मिले ना मेरे को तो ठीक नहीं है, कब कहाँ मिले, क्यों ठाकुर जी का कृपा। तो ऐसा युक्ति दिया ब्रह्मा जी ने, जे देखो भयम प्रमत्तस्व मनुष्य पिशाद जतः सास्ते सहसठ पत्निया, जंगल में जाके भी अगर सौ रिपु, सौ छ रिपु, सौ रिपु है ना
काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य सड़ो रिपु सर्वविधा जो रिपु है यही तुम्हारा दुश्मन है। तुम बाहर में दुश्मन को ढूंढ रहे हो, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। दुश्मन तो तुम्हारा अंदर में ही है, दुश्मन जो है तुम्हारा अंदर में है। काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य जो है सड़ रिपु ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम जानते नहीं। ये सर्वरिपु तुम्हारा साथ गद्दारी करे, बेईमानी करे। सर्वरिपु मन तुम्हारा साथ कभी भी कैसे भी हालत हो बेईमानी कर दे। मन मन बद्ध मन मेटेरियल माइंड जो है कभी भी गद्दारी कर बेईमानी कर देगा, कोई ठिकाना नहीं है। जैसा औजामिल का हुआ था, अभी आएगा षष्ठ खंड में। तो इधर जो है जिसमें विचार आया, तुम अगर छह शत्रुओं के साथ सहसठ पत्नियां, मतलब इसका उदाहरण दिया ब्रह्मा जी, जैसे एक व्यक्ति का छह पत्नी है, एक व्यक्ति का छह पत्नी है, छह पत्नी छह दिख से वो स्वामी को खींचता है, बोला हमारा पासा हमारा पासा है ना, छह पत्नी छह ओर से खींचता है और उसका बेचारा क्या हालत है। सहसठ पत्नियां सपत्नी छ सपत्नी सपत्नी अगर पत्नी अगर रहे इसका साथ अगर कोई व्यक्ति रहे तो उसका कोई शांति मिलेगा, कोई समय नहीं। ऐसा सड़ो रिपु का साथ काम क्रोध लोभ मदम आश्चर्य सड़ो रिपु का साथ अगर जंगल में भी रहो तो बेटा तुम्हारा क्या फायदा है, बोलो तो कोई फायदा तो है नहीं। और जितेंद्रिय स्वात्मरतिर उदस्य, और जितेंद्रिय बनकर संसार में आत्मरति आत्मनिर आत्मरति मतलब ठाकुर जी का पर जो भक्ति रतिमति, ये जितेंद्रिय स्व आत्मरति आत्मा में जिसका रति है, बाहरी दृष्टि में किसी वस्तु में उसका लोभ लालची नहीं है, ऐसा जो बुद्धिमान है इन लोगों के लिए संसार जो है को क्या नुकसान कर सकता। ये ऐसा किस्म जो आदमी है वह अगर संसार में भी रहे तो संसार में उसका कोई नुकसान हो नहीं सकता। जैसे परीक्षित महाराज रहा, युधिष्ठिर महाराज रहा, अम्बरीश महाराज रहा, पितु महाराज रहा, जनक महाराज रहा, जनक महाराज रहा, जनक महाराज कितना बड़ा राजा है जनक महाराज। किंतु से शास्त्रों का विचार में है तत्ववादियों में जनक महाराज का नाम एक नंबर रहता है। जनक महाराज देखने में तो राजा, तुम बोलोगे राजा है विषयी है, लेकिन राजा राजा तो है ही है, राजा तो है ही है, लेकिन राजा होने से भी इसका नाम है राजर्षि, राजा युक्त ऋषि, राजा इसका पदवी राजा तो है ही है प्लस ऋषि, राजा युक्त ऋषि संधि में व्याकरण में आता है, राजा युक्त ऋषि थी राजर्षि, राजर्षि हुआ इतना बड़ा। और ऐसा समझाया कि देखो तुम्हारा संसार क्या कर सकता है, और आम लोग जो है देखो जितना है संसार का जितना आदमी है जितना सारे हैं, यहां तक कि देवता लोग में जितना सारे देवता लोग में जितना सारे देवता सब है, सारे ठाकुर जी का जो आदेश है वो पालन कर रहे हैं। कपिल जी महाराज जो बताया ना, मद भयात बात बात ही अयम सूर्योस्तपति मद भयात बरसती इंद्रो मद भयात सूर्योस्तपति मद भयात मिस्तुश्चरती मद भयात, मेरा डर से मेरा आदेश के द्वारा सूर्य ताप दे रहा है, चंद्रमा अमृत दे रहे, इंद्र बारिश दे रहे, और मृत्यु जोमराज जो है वो भी मेरा आदेश के द्वारा सारे आदमी का जितना सारे आयु को हरण करके लिया, सारे मेरा आदेश के द्वारा हो रहा है। असर्वे वहाम बलिवेश्वर आयो प्रतो नसीव दीपदे चतुष्पद, शास्त्रों में ये बड़ा भले सारे देखने में आदमी जैसा है लेकिन पशु है, नरो पशु, ये शब्द शास्त्र में आता है नरो पशु, ये शब्द शास्त्र भागवत में कई बार आएगा, नरो पशु बोला गया। बोले देखो सर्वे, हम लोग जो आदेश पालन कर रहे हैं ठाकुर जी का, सर्वे बहाम बलिमिश्वर आयो, ईश्वर का जो आदेश पालन कर रहे हैं, और प्रोता नसीब दीपदे चतुष्पद, जैसे बैल को
नाक में एकदम छेदा करके बांध दो रस्सी देके, इसको जहां खींचोगे वहां जाएगा। बैल क्या करे, बैल क्या करे, उसको जहां आप खींचोगे वहीं जाएगा, जहां खींचोगे वहीं जाएगा। तो उसका तो कुछ स्वतंत्रता है नहीं। ऐसे हम लोगों का कोई स्वतंत्रता बेटा है नहीं, समझ के देखो। सर्वे वहामो बलिश्वरायो प्रोता नसीबो द्विपदे चतुष्पद। हम लोगों का द्विपद है, लेकिन चतुष्पद जैसे जानवर को, भालू को, भालू खेला दिखाते हैं ना, आदमी आता है ना जंगल से, भालू का इधर बांध दिया, लगे बांध के रस्सी देके खींचता है, और भालू नाच, भालू को नचाए, जहां जैसे ले जाए वो वैसे ही रहे, क्या करे। ऐसे बताया, देखो तुम अगर इस संसार को दुर्ग फोर्ट समझो, इसी में रह के खाना पीना सारे व्यवस्था सारे हो जाए, आपका कोई बीमारी हो जाए सब व्यवस्था, ट्रीटमेंट सब हो जाए, ऐसा करके रहो तो संसार को जय कर, जय प्राप्त करके संसार का अंदर रहो, उसमें कोई तो नुकसान है ही नहीं। संसार का ऊपर, संसार का ऊपर जय जय प्राप्त करके संसार में रहो, उसमें तो कोई दोष नहीं, दोष है। एक सुंदर उदाहरण है, एक उदाहरण क्या है, बोले महाराज नौका जो है, नौका जान तो किश्ती बोट, नौका जो है बोट जो है नौवा नौका किश्ती जो है, किश्ती पानी का ऊपर ही रहता है, कहां रहता है किश्ती, कहां रहे किश्ती, क्या घर में रहे किश्ती, तो रहेगा नदी में जहां पानी है वहीं तो बोट रहेगा ना, कहां रहे किश्ती तो पानी में रहे। किश्ती अगर पानी में रहे इसमें कोई नुकसान है नहीं, किंतु किश्ती में पानी आ जाए तो मुश्किल है, समझा मेरा बात। किश्ती अगर पानी में रहे तो पानी में ही तो रहे, कहां रहे, लेकिन किश्ती का अंदर जब पानी आना शुरू कर दे तब तो गया हमारा, डूब जाए। ऐसा ही है तुम्हारा जो शरीर है, जिंदगी है, इसको अगर समझ लो, निर्देव हो मध्यम सुलभम सुदुर्लभम है, ये जब श्लोक है हम विचार करेंगे बाद में, ये शरीर को आप समझ लो कि नौका है, संसार समुन्द्र पार करने के लिए नौका है, इसमें गुरु जी जो है हमारा बोटमैन है और किश्ती को चला रहे गुरु जी, और सही ढंग से बैठो, नहीं तो गुरु जी है, गुरु कर्णधारम, कर्णधार कौन है, गुरु है, गुरु चला रहे, और सही ढंग से गुरु चला रहे बोलने से होगा नहीं, तुम्हारा जिंदगी गुरु चला रहे क्या, तुम गुरु का अनुगत ही नहीं किया। हमने तो एक उदाहरण बहुत पहले दिया था, जे एक बड़ा इंजन का, एक इंजन के साथ कई 22 बोगी जोड़ा हुआ है, मालगाड़ी में तो 50-55 जो भी बहुत सारे बोगी जोड़ा, लेकिन एक पीछे वाला बोगी के डिस्कनेक्टेड हो गया तो अगर पहुंच नहीं पाया कि इंजन का क्या दोष है, इंजन का तो कोई दोष नहीं, इंजन बोला हम क्या करें महाराज, हम तो चलते रहे पीछे, वो पकड़ के रखा तो छोड़ दिया, हम क्या करें, सांटिंग लूज हो गया और पीछे रह गया। गुरु वैष्णव तो गोलोक वृंदावन जाएगा, तुम अगर जो जो उसे पकड़ के रखो तुमको भी खींच के ले जाए, चलो वो भी चले, अगर छोड़ दो जरा लूज हो गया अपना मनमानी चलना शुरू कर दे तो कोई भी गुरु का आश्रय ले लो, इट मैटर्स लिटल, इट मैटर्स लिटल, कोई भी गुरु का आश्रय ले कोई फायदा नहीं, जो भी गुरु आश्रय, हम क्या है? गुरु बोले हम क्या करें, क्या करें। जब भी श्रीधर गोस्वामी महाराज बोला, श्रीधर गोस्वामी ये विचार भी हम उठाए, ठीक है गुरु का कोई दोष नहीं, गुरु छोड़ दिया वो क्या, लेकिन श्रीधर गोस्वामी महाराज शास्त्रों का सिद्धांत तो बताया एक सुंदर, परमहंस सदगुरु वैष्णव के साथ जिसका संबंध हो जाए, चाहे वो किसी भी हालत से उसका पतन हो गया, वो गुरु जी ये जन्म में नहीं तो दूसरे किसी भी हालत से उसको पार करेगा ही। थोड़ा बहुत संबंध हो गया गुरु वैष्णव का, वो समझ नहीं पाए हो गया, तो वो जो सदगुरु का ऐसा लक्षण है वो उसको आज नहीं तो काल पार लगाए इस जन्म में नहीं, लेकिन इस जन्म में पार हो जाए तो अच्छा है। गुरु अलग अलग स्वरूप पकड़ कर आता है, वृंदावन में तो ऐसा ऐसा प्रश्न, महाराज यही गुरु क्या पहले जन्म में हमारा था, अगले जन्म में क्या यही गुरु होगा, हम बोले तुम बुद्धू हो, क्यों बोले गुरु तत्व तो समझा ही नहीं, तुम गुरु तत्व तो समझा ही नहीं, यही गुरु होगा, तुम गुरु क्या रक्त मांस का जो आदमी खड़ा हो उसको गुरु समझो, यही समझे ना, तुम्हारा तो ये बुद्धि खराब है, गुरु तत्व तो ऐसा नहीं है, गुरु अनंत, गुरु रूप अनंत, अनंत ही तो गुरु है।
जो रूप पकड़ कर गुरुजी मेरे को कृपा किया उसी रूप को हमारा अभी गुरु पकड़ के हम उसका ही आदेश पालन करके आगे चले। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु अगर हो तो दीक्षा गुरु का मुताबिक है कि नहीं, वेदर ही इज इन लाइन विथ माई दीक्षा गुरु, मेरा दीक्षा गुरु का लाइन में वो है कि नहीं, न कि उसका उल्टा सीधा विचार है। अगर तुम शिक्षा गुरु बना लिया, बोला उसका बड़ा नाम हो गया, उसका पास हम जाए, वो शिक्षा गुरु उसको बनाए, तो तुम्हारा पतन हो जाए। हमारा गुरु जी को प्यार करता कि नहीं, वाइटल पॉइंट। हमारा गुरु जी का जो विचार है, सिद्धांत तो है, उसका साथ इसका विचार मिलता कि नहीं, नहीं तो शिक्षा गुरु गोण मत करो, उल्टा हो जाएगा। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु तो एक ही है विचार, अभिदेव गुरु सब बहुत कई विचार है, एक एक विषय पर विचार बहुत समय लग जाता है। तो यहां जो है विचार बताया कि देखो द्विपदे चतुष्पद गुरु कर्णधार, गुरु तो कर्णधारी है, और शिक्षा गुरु अगर मेरा दीक्षा, मेरा जो दीक्षा गुरु इसका साथ लाइन में है, एकदम बिल्कुल सही विचार है, तो इसको ही गुरु जी का परमिशन लेके, या तो गुरु जी चला गया, मेरा अगर विचार ठाकुर जी दिया तो विश्वास करके देखे इनके विचार, मेरा गुरु जी का विचार चलता है कि माँ मेरा गुरु जी को दुश्मन मानता है कि उसका साथ कंपटीशन करना चाहे, कि ये विचार देख लेना, तब तो उसको कभी शिक्षा गुरु मत बनाओ, बनाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं फायदा होगा। चाहे वो बहुत शास्त्र मुखस्त है, तुम्हारा लिए कोई फायदादायक नहीं है। काल हम इस विषय पर सुबह में चर्चा करें, जो हम सुबह में उठाया था आज। और इधर जो है, जो अपना संप्रदाय का ही ऊंचा संगो साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जीनी त्यार किचु वस्तु कोनो वस्तु ना, ये विचार और रूपों को सही पात का जो विचार है, ये सब दो विचार हम मिला के काल प्रस्तुत करेंगे। कल सुबह सौ संप्रदाय का ऊंचा साधु संघ क्यों बोला महाराज, दूसरे संप्रदाय के सिद्ध महात्मा के बोला, इस विचार को काल हम प्रस्तुत करेंगे, समझ में आएगा क्यों ऐसा बोला है गोस्वामी जी। साधु संघ में हरिनाम करना है, साधु संघ में हरिनाम, असाधु संघे भाई कृष्ण नाम कबू नहीं हो, नामक और बाहिरा कभी नाम को सदा नाम अपराध से, नाम अपराध होता है, नामक और बाहिरा बटे नाम कबू नए। जगदानंद बोरी बढ़ाए असाधु संगे भाई हरिनाम कृष्ण नाम, हरिनाम नहीं हो, नामक और बाहिरा बटे नाम कबू नए। पूरा सत्संग मनाना, आपका जीवन जिंदगी को ऐसे मोल्ड, यू विल हैव टू मोल्ड योर बॉडी इन सच ए वे, बॉडी एंड माइंड एवरीथिंग, तुम्हारा जितना मन है, शरीर है, बुद्धि है, सबको ऐसे मोल्ड देना पड़ता साधु संघ के द्वारा। पहले साधु संघ करको जीवन जिंदगी को ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ जिसमें असत्संग का कोई संभावना, नो पॉसिबिलिटी, कोई संभावना ना रहे। अगर असत्संग करने का, असत्संग होने का जरा सा भी संभावना रहे तो आपका लिए खतरा है। असत्संग का जरा सा भी संभावना है, पॉसिबिलिटी तो गया, हो सकता गंध हो, ये डिपेंड करे आपका कितना प्यार है गुरु वैष्णव के ऊपर। गुरु वैष्णव आपको खींचेगा इस तरफ और माया आपको इधर खींचेगा, दोनों में टैग हुआ है, दोरी का खींचतान हो रहा है। गुरु वैष्णव आपको अपरागिक जगत में खींचता है, मेटेरियल जगत का अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये सब रौनक जाए, दुनिया का जितना सारे दुनियादारी का चीज जो है, अच्छा अच्छा सब लड़का लड़की सब आपको खींचेगा एक तरफ। अब कहां जाओगे, दुश्मन तो आप, आपका दुश्मन आप ही है, आपका दुश्मन जो है आप खुद है, किसी को आरोप मत लगाओ, दोस्त खुद का है। ऐसा करके टैग ऑफ वॉर, रस्सी का खींचतान, उसमें जिसका बल ज्यादा होगा, चित बल अगर ज्यादा है, गुरु वैष्णव तुमको खींच के ले जाएगा, काय कोई भी बंधन रहे, अगर ना हो इसको खींच के। काल हम विचार करेंगे छोटा, ये जो छोटा हरिदास का विषय है, फिर काला कृष्णदास, काला कृष्णदास जो है तमाम ये जगत जो है, तमाम जगत में
जितना सारे बद्ध जीव है सब काला कृष्णदास है। इसका विषय हम काल चर्चा करेंगे सुंदर। और जो है इधर विचार आया कि द्विपद ए चतुष्पद, देखने में तो है द्विपद है, दो पद हम तो आदमी हैं, लेकिन द्विपद ए चतुष्पद हो हम, है ना। द्विपद ए चतुष्पद मतलब नर पशु ऐसा हो गया। ऐसा करके ब्रह्मा जी ने उसको बड़ा भारी समझाया। उसके बाद पोता को ऐसा समझाया कि पोता बातों में आ गया कि पिता मोहा हमारा इतना समझा रहे तो देखो तो दंडवत आदि क्या ठीक है, पितामह विश्व क्या है, उनको समझा बुझा के घर भेज दिया। अब ब्रह्मा जी अभी सब जो तत्व ज्ञान का उपदेश देना था तो दे दिया। अभी ब्रह्मा जी ऊपर को जा रहे, ऐसे ब्रह्मा जी ऊपर जाए सत्यलोक, ऐसा उठ हंग स्वभाव धीरे धीरे जा रहा है, सारे जगत का आदमी पूजा कर रहा है, ब्रह्मा जी जा रहे हैं आसमान में सब पुष्प। ब्रह्मा जी जाते समय उसका मन बहुत खराब हो गया। ब्रह्मा जी जब जाना शुरू कर दिया ऊपर जाना, ब्रह्मा जी थोड़ा उदास हो गया। ब्रह्मा जी बोले देखो बड़ा करोड़ों करोड़ों में किसी का अभी कभी ऐसा शुद्ध बुद्धि होता कि ठाकुर जी का भजन करे। मेरा पोता का बुद्धि कितना अच्छा हुआ था भजन करे, और उसको हम घुमा फिरा के तत्व बुझा कर उल्टा भेज दिया संसार में, काम तो ठीक नहीं किया। मन में उदासीन हो गया ब्रह्मा, थोड़ा काम ठीक नहीं, बड़ा अच्छा भजन करने के जा रहा था, और नारद जी महाराज गुरु थे, जो भी है चलो ऐसा करके समझा बुझा कर भेज दिया। और ये जो ससागरा पृथ्वी है, तमाम पृथ्वी में सातों द्वीप है, जम्बू लखनऊ सलमली कुश क्रोंचो साक पुष्कर, ये सब जो है, ये सब जो सप्तद्वीप जो है और सात समुन्दर भी है, इसमें लवण समुन्दर इक्खु समुन्दर सूरज जल समुन्दर घृत जल समुन्दर दधि जल समुन्दर दुग्ध जल शुद्ध जल, सातों समुन्दर एक पृथ्वी को घेर के रखे, सात समुन्दर और जो सप्तद्वीप बन के रखा है सब ऐसा। और ये जो प्रियव्रतो बड़ा अच्छा ढंग से शासन भी किया, पूरा जगत को पालन किया, सब ठीक है, बड़ा अच्छा ढंग से पालन पोषण किया जगतवासी को। इसके बाद प्रियव्रतो का उम्र हो गया, प्रियव्रत बोले प्रियव्रतो परमार्थ साधन करने के लिए बोले इतना दिन तो घर में रह के भजन की, अभी तो हमारा उम्र हो गया, अब लड़का भी अग्निध्रुव, इसका लड़का है अग्निध्रुव को शासन करने के लिए राजा बना दिया और अपने भजन करने के लिए चले गए। हाँ अग्निध्रुव एक दफे पुत्र कामना लेकर मंदर पर्वत में भजन शुरू किया। बहुत सारी चीज है वहाँ, एक अप्सरा पूर्व चित्ती नामक आके अप्सरा गान किया अग्निध्रुव को, अग्निध्रुव का भजन को थोड़ा डिस्टर्ब किया, बहुत सारे घटना है बहुत सारे ये सब। अग्निध्रुव का पुत्र है नाभि बड़ा पावरफुल है, ठाकुर जी का कृपा से इसका आविर्भाव हुआ, ठाकुर जी का अंश है नाभि भी, बड़ा भारी शासन किया सारे सप्तद्वीप को। नाभि पुत्र कामी होकर अपत्या सीय पत्नी मेरु देवी का साथ यज्ञ पुरुष का आराधना किया। कौन? नाभि, नाभि का संतान ने, नाभि सोचे कि पहले यज्ञ पुरुष हरि का भजन कर ले, ठाकुर जी का कृपा से अच्छा संतान पैदा हो, ऐसा करके नाभि जी बड़ा भजन की। इसके बाद भजन के बाद उसका संतान आदि हुए और ये जो नाभि जो है, नाभि का पुत्र इसका नाम है ऋषभ, नाभि का पुत्र ऋषभ जी भगवान ठाकुर जी का अंश में आया। ऋषभ जी भगवान ये जगत में आए किस लिए, इस जगत में बहुत सारे शिक्षा आदि देने के लिए आए ऋषभ जी महाराज। ऋषभ जी महाराज का इतना पावर था, इंद्रो जी ने वर्षा नहीं दिया,
वर्षा नहीं दिया तो जगतवासी बहुत कष्ट हुआ। तो ऋषभ जी बोले कोई चिंता नहीं, अपना पावर के द्वारा वर्षा कराया, इंद्र को दरकार नहीं, ऐसा करके वर्षा कराया। इंद्र स्पर्धा करके वर्षण किया नहीं तो ऋषभ जी हंसते हुए जोग माया के द्वारा अजनबो वर्ष में वृष्टि कराया। चलो क्या कर सकता तुम। बाद में ये भी अपना संतान आदि हुआ और मेरु देवी अपना पत्नी का साथ बद्रिकाश्रम में चले गए, सारे नर नारायण भगवान का भजना किया। जितना सारे बड़े बड़े राजा महाराज हुआ इनके जिंदगी देखो, सारे समय वक्त होने पर ये लोग जंगल में जाते थे, जंगल में जाके भजन शुरू। और रहना क्या रहना है, तो जीवन तो रहेगा नहीं, जीवन तो आज नहीं तो कल छूटने वाला है, तो रह के क्या करें। पहले का नियम ही ऐसा था, वेदों में ऐसा ही विधान है कि मैक्सिमम 60 ईयर्स 60 साल तक रह सको, उसके बाद बस संसार को छोड़ के चलो भजन पूर्ण एकदम। ऐसा करके ऋषभदेव जो जो है ऋषभदेव जी बड़ा शासन बड़ा बड़ा सुंदर पालन किया प्रजा सब। उसके बाद ऋषभदेव जी का जो है 100 पुत्र हुआ, 100 पुत्र ऋषभदेव जी का हुआ। और ऋषभदेव जी जो है ये पुत्रों को कुछ उपदेश देना चाह, सुंदर उपदेश जो जगतवासी के लिए बड़ा फायदादायक है, इतना बड़ा उपदेश है ऋषभ जी का। ऋषभ जी उपदेश 100 पुत्रों को सामने बैठा कर, बेटा सब बैठ जाओ, बैठा कर सुंदर उपदेश की, इतना सुंदर भारी उपदेश की, वो उपदेश हमारा सामने शिक्षा बन के रह गया भागवत जी महापुराण में। ऋषभ दुबाचो देखो बेटा, ये जो जड़ शरीर है ये कोई पशु का मापिक सुअर का मापिक भोग करने के लिए रहे, कामिनी कांचन भोग करो ऐसा लिए नहीं, शरीर नहीं दिया गया, तुम्हारा शरीर दिया गया इसलिए तुम्हारा कर्मफल को भोग करो और ये शरीर के द्वारा भगवान का भजन करो। कर्मफल मतलब पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसका फल तो तुम्हारा तुमको ही भुगना पड़ेगा है। जीवात्मा जितना कर्म फल का विस्तार करता है ये जन्म में अगले जन्म में ऐसे ऐसे करते चले, उसका फल तो उसको ही भोगना पड़ता है, किसी को नहीं। अवश्यमेव भक्तव्यम कीर्तम कर्मम शुभाशुभम, शुभाशुभ कर्मों का जो फल है जिसका फल उसको ही भोगना पड़े। ठाकुर जी बोले हम क्या, हम तो तुमको संसार नहीं करने बोलो, तुम अगर रो रो के बोलोगे ठाकुर जी का पूजा हम नहीं करेंगे, ठाकुर जी मेरे को इस मुसीबत में, ठाकुर जी बोले हम तेरे को कौन मुसीबत में गिरा, हम तो तुमको मुसीबत में नहीं फेंका, तुम तो अपना कर्म फल के द्वारा, हम तो बोला भजन करो आ जाओ ऐसा करके बुलाया। नित्यानंद क्या करते, नित्यानंद ऐसा एक चक्र धाम देखा ऐसा, गुरु जी बोलता सब बद्ध जीवों को बुला रहे, बद्ध जीवों को बुला रहे आ जाओ मेरा पास मैं पार लगाएंगे, वो आ नहीं रहा है। नित्यानंद प्रभु गौरंग मापो ऐसा करके रखा है। और नित्यानंद प्रभु तो कमिटमेंट किया, प्रतिज्ञा किया बद्ध जीवों के सामने, बद्ध जीवों के सामने एकदम प्रतिज्ञा कर दिया, बद्ध जीवों के सामने प्रतिज्ञा करके रखा है जो तुम लोग भजन करो हम पर लगाएंगे, हम तुम लोगों को पर लगाएंगे, प्रतिज्ञा करके रखा है नित्यानंद प्रभु। और हम बोलिए इधर जो है अथो ब संसाराम बुद्धि तरण दायो मई लगे, क्या बोला नित्यानंद स्टकम में है ना है? है तो नहीं, नहीं है। अथो व स्वं स्वाराम बुद्धि तरण दायो मई लगे, द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइंग विथ मी, तुमको पार लगाने का पूरा जुमा हम ले लिया, प्रतिज्ञा किया, लेकिन एक काम करने पर अतो व संस्वाराम बुद्धि तरण दायो मई लगे, मई लगे द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाइंग विथ मी, हम पार करें जितना सारे जीव है, लेकिन एक काम कर हमारे किनिया लहो भजो गौर हरी, हमारे किनिया लहो भजो गौर हरी, ये करोगे नहीं करोगे तो क्या होगा, तो खाते पीते रहो सोते रहो और क्या होगा, क्या होगा बोलो, नहीं करोगे। जो प्रबोधानंद सरस्वती कृष्णा सुंदर कीर्तन में बताया
गौरांगो को भजन करो, गौरांगो का भजन करो। लेकिन कोई मानता नहीं। नायम देहो देहो भाजाम निलो निलोके कष्टान कामान अरहते बीरभुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र काजे न स्वात्यम शुद्धेद यस्मत ब्रह्म सोक्षम महत् सेवादार माहू विमुक्ते स्वमो द्वारम यशितम संगी संगम महात्मास्ते समचित्वा प्रशांत्या विमन्नवः सुहृदोषाद भोजे महांतस्ते समचित्ता प्रशांत विमन्नवः सुहृद साधभोजे। महान व्यक्ति कौन है इसका व्याख्या बोल। देखो नायम देहो देहो भाजम निलोके कष्टान कामान अरहते बीरभुजाम जे। बीरभुजाम ने विष्ठा भोजी जो सुकर है उसको भी भोग मिलता है, जगत में भोग मिलता है, वो भी सुकरी का संग करता है। करता नहीं, सुकर सुकरी का संग करे, बंदर बंदरी का संग करे, तो तुम्हारा क्या उन्नति हुआ भाई। बोले सुकर जनी में भी भोग है, भोग नहीं है, अष्ट अष्ट अच्छा अच्छा विष्ठा मिलेगा यही तो भोग है, अच्छा अच्छा विष्ठा मिले और नरक में रहे यही भोग है। तो ये तुम्हारा शरीर जो है ये भोगों के लिए नहीं दिया गया। नायाम ना अयम देहो देहो भाजम निलोके कष्टान कामान अरहते बीरभुजम जे। विष्ठा भोजी सुकर जो भोजन वो रमन करते रहते, इसका लिए ऐसा तुम्हारा शरीर नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्यम शुद्ध सतमाय जो ठाकुर जी है इसका भजन करो, तपो करो, भजन करो। तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्यम है, बोले देखो हे वत्सो तपस्याई एकमात्र उत्कृष्ट पथ है, जेतु इसके द्वारा अंतरात्मा का शुद्धि हो जाते हैं। ऐसे तो हरिनाम के ऊपर शुद्धि का, हरिनाम ही तपस्या सबसे बड़ा तपस्या, ये हम बताया जब ही हम इसको बोल रहे। अब आप मुझे बोले महाराज पहले बताया हरिनाम ही सबसे बड़ा तपस्या, हरिनाम अगर वास्तव ले सकोगे तो। आर शुद्ध होने के बाद अनंत सुख मिलता है, ये अंतकरण शुद्ध हो जाए, अनंत रूपी हरि का साथ संबंध हो जाए अनंत देव का साथ, तो अंतरात्मा क्या होगा सुखी बन जाएगा। भूमोई व सुखम नाल पे सुखम अस्ति, नाल पे सुखम अस्ति भूमोई व सुखम, उपनिषद में ही है ना। जागोबल को का साथ मैत्रीय मुनि मैत्रीय मैत्रेयी पत्नी जागोबल का तायनी समझा रहे। एक दफे सारे संपत्ति जो है सारे दो पत्नियों में बांट दिया ऋषि, और जाके प्रबोज्या सन्यास लेके चलाया, सन्यास जाने के लिए तैयार हुआ। तो पत्नियों ने दो पत्नी है बताया स्वामी ये जो संपत्ति आप दे रहे हो जितना सारे धन संपत्ति आपने जोग जाग जोग करके कमाया ये संपत्ति हम लोगों को दे के जा रहे हो, क्या ये संपत्ति के द्वारा वो अमृत मिलेगा, वो अमृत मिलेगा क्या। स्वामी को पूछा, स्वामी बोला ना अमृत मिलेगा नहीं। स्वामी को पूछी तो पत्नी पर आप जो संपत्ति दे के जा रहे हो क्या ये संपत्ति के द्वारा अमृत मिलेगा, अमृत मिलने वाला है जो अमृत। बोले नहीं ये अमृत तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करें। जेना हम न अमृत मश्रुते तेना हम किम कुर्या, जिन संपत्ति तुम हमको देना चाहते हो इसके द्वारा अगर वो अमृतमय वस्तु को हम प्राप्त ना कर सके तो व्हाट इज द यूटिलिटी, क्या करें हम उस देख। जेना हम न अमृत मश्रुते, जिसके द्वारा हमको अमृत नहीं मिलने वाला वो लेके क्या करे, आपका संपत्ति आपके पास रखो। ऐसा भूमा पुरुष अनंत, भूमा पुरुष अनंत देव का साथ जब तक आपका संबंध ना हो जाए तो जीवन जिंदगी बेकार है। नंगापन जो है जीवों का अंदर जो नंगापन है जो अभाव है कभी भी मिटने वाला नहीं है। आज ये अभाव समाप्त हुआ कल वो अभाव पैदा हो जाएगा, तीसरा दिन वो अभाव, फिर ये अभाव को पूर्ति कर दो चौथा दिन दूसरा अभाव पैदा हो, अभाव ही अभाव।
ये जगत जो है इसमें अभावी अभाव, कोई पूर्ति नहीं होने वाला कभी। एक तो पूर्ति होने वाला एक ही चीज है, वो ठाकुर जी का चरण, अमृतमय अनंत। पुत्र लोगों को ऐसा है, स्वतः पुत्रों को ये समझाया। और देखो बेटा, महत व्यक्ति का सेवा करना, दोष नहीं देखना। महत व्यक्ति को कोई दोष नहीं देता, वैष्णवों का गुण ही गुण है, दोष नहीं है कभी। लेकिन इसमें भी दोष पकड़ते आदमी पकड़ता है ना। महत सेवाम दारो बाहू माहू विमुक्ते स्तमोदारम जोशितम संगे सम्य। महत व्यक्ति का सेवा करो बेटा तो तुम्हारा मुक्ति का दरवाजा खोल जाएगा फटाफट, जल्दी खुल जाएगा। महत सेवाम दारो माहू विमुक्ते, माहू माने बोला जाता है, महत सेवा आपका मुक्ति का दार है। आ तमोदार क्या है? योषित संगो। महत सेवाम दारो माहू विमुक्ते स्तमोदारम जोशितम संगी सम। योषित संगो और जोशित संगो जो करता है उसका संग, चैतन्य चरित में तो दोनों है, जोशित संगो और जोशित संगो जो करता है उसका संग, दोनों ही खतरनाक है। उसका संग करो तो आपका सब बनास। महत सेवा दार माहू विमुक्ते स्तमो द्वारम जोशितम संगी संगम। और तमोदार खुल जाएगा, अब जोशित संग करोगे। जोशित का मतलब कामिनी जोशित, कांचन जोशित, प्रतिष्ठा जोशित, जितना सारे ये गौड़ीय सिद्धांत बाजार में नहीं है किसी जगह। जितना कामिनी जोशित करो, कांचन जोशित करो, जो कुछ भी कामिनी कांचन जितना का प्रतिष्ठा जो, प्रतिष्ठा भी जोशित है, जिस विषय में आपका भोग बुद्धि आ जाएगा वो जोशित है। प्रसाद में अगर भोग बुद्धि हो गया वो भी डेंजरस है। हम अच्छा अच्छा छाना का रसा खाएंगे, हम मालपुआ खाएंगे तो हो डेंजरस हो जाएगा, नहीं करना है। गुरु वैष्णव परीक्षा लेते हैं किसका मन में क्या है, बोले ये कर वो कर, देखिए उसका मन क्या है, मन में परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा में अगर पास हो जाए तो जिंदगी भर उसको रख देता है अपना सामने हृदय में, मौड़ते दम तक उसको छोड़ता नहीं। माधवेंदुपुरी पर छोड़ा, ईश्वरपुरी बात को छोड़ा नहीं, खिलाया पिलाया कितना जतन किया सारे। ऐसा करके बोले बेटा सुनो, महान व्यक्ति का लक्षण क्या है? महांतोस्ते समचित्ता प्रशांता। पहला बात तो ये, महत व्यक्ति का हृदय जो है समचित्त है, समान चित्त, भेदभाव किसी का अंदर नहीं। फिर भी शिष्यों को समझाने के लिए जड़ जगत में ये बंधन के कारण, ये मुक्ति के कारण ये बताना पड़ता है, नहीं तो मुक्ति कैसे होगा। इसे तुलसीदास जी बोला ना, उसका व्याख्या किया पहले भी थोड़ा बहुत, सदगुरु मिले भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश, कैला का मैला छूटे जब आग करे प्रवेश। अगर गुरु जी भेद बताए ये तद वस्तु है, ये तुमको बंधन में डालने वाला, सावधान, ये तुमको मुक्त करने वाला, तो इसमें गुरु जी का समबुद्धि नहीं है, होता क्या है? गुरु जी अगर अपना दृष्टि से देखा कि ये शिष्यों का अंदर, ये शिष्यों का अंदर ऐसा कुछ चीज है जिसको हम कृपा करें, कृपा का आधार है, कृपा का आधार बता, हम कृपा करें तो कृपा रख सकेगा। तो गुरुजी इतना शिष्य है, गुरुजी जानता है किसका धंधा क्या है। इतना हजारों शिष्य हुआ लेकिन इनमें गुरुजी का दृष्टि है कि सबका ऊपर, किसका किसका बुद्धि क्या है। अगर किसी का हृदय देखे, इसका हृदय बड़ा सरोस है, इसका हृदय में हमारा यह विज्ञान है ये रख सके, ये जो तत्व विज्ञान है रस है उसका जो पात्र है बहुत अच्छा उसके हृदय में। आ तुम बोलोगे गुरु जी उसको बहुत प्यार करता है, क्या करे तुमको प्यार करे, तुम बुद्धू हो, तुम तो मानोगे नहीं, तुमको तो देना चाह गुरु जी, तुम तो लेने के लिए तुम्हारा पात्र नहीं है, क्या करे तुमको तो कोशिश क्या, गुरु जी बहुत बार देखा उसका बुद्धि जो है विषय में जा रहा है, तो गुरु जी क्या करे, गुरु जी तो क्या करे। एक उपनिषद का कहानी सुन लो, इंद्र जी महाराज, स्वर्गों का राजा इंद्र जी महाराज, और जो विरोचन है, विरोचन दैत्य दानव का राजा है, विरोचन है, दोनों ने ब्रह्म विद्या लाभ करने के लिए बृहस्पति जी महाराज के पास गया, बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति के पास गया,
बृहस्पति जी ने दोनों को बैठाकर एक साथ, ये इंद्र बैठा है या विरोचन बैठा, दोनों को बैठाकर एक ही साथ गोदी में बैठकर ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के बाद इंद्र को पूछा, तुमने क्या समझा ब्रह्म विद्या? वो एक तरह का व्याख्या किया, अब विरोचन जो है अलग किस्म का व्याख्या किया। एक ही साथ दोनों को समझाया, सब कुछ हुआ, लेकिन संस्कार के विभेद के कारण दोनों का संस्कार आएगा। ये असुर है, ये सूर, ये देवता है, दोनों का संस्कार अलग होने के कारण गुरु जी का एक ही गुरु का एक ही टाइम एट ए टाइम साइमल्टेनियस सिखा, लेकिन दोनों पर दोनों किस्म का बुद्धि आ गया। तो इसमें गुरु जी का कोई दोष है क्या? गुरु बोला हमको दोष नहीं, दोष तो है नहीं ना। एक ही विचार एक एक व्यक्ति का एक एक लगता है। ब्रह्मा जी का पास दैत्य दानव और मानव जो है, मानव जो है, मानव दैत्य सारे ये कर, ब्रह्मा जी हम लोगों को थोड़ा उपदेश दे दो। ब्रह्मा जी ने एक अक्षर में उपदेश दिया, एक अक्षर। देवता लोगों को बोला, देवता जी बोले कुछ उपदेश तो दे दो जैसे हमारा जिंदगी चले। तो बोला दो, दो बोला, दो एक शब्द बोले, दो मतलब, दो मतलब क्या है? दो के द्वारा वो लोगों का अंदर में क्या बुद्धि आया? दमन है। असुरों को जब गया उन लोगों को बोला दो, एक ही बात बोला। उसको बोले दो का मतलब क्या है? दो का मतलब क्या है? वो उसका अंदर में हृदय से प्रेरणा देके समझाया, इसका नाम है दया। तुम असुर हो, दूसरे पर दया करना सीखो तो तुम्हारा असुर भाव जो है वो मिट जाएगा। असुर लोग जो है ऐसे बच्चा लोगों को हम देखा, हमारा जो समय था पिता माता ने बच्चा को दे, ये सन्यासी है उसको दान कर थोड़ा दे दे, इसको प्रैक्टिस कराते थे। आजकल का जमाने में पिता माता और बच्चा फ्लैट में घुस गया और लॉक कर दिया, ये तुम है सब एक साथ, एक बच्चा है स्वामी स्त्री, बस लॉक कर दिया फ्लैट को। पहले ऐसे नहीं था, खुला खुला था। उसमें क्या होता, कोई अगर साधु सन्यासी ऐसे कोई भक्त आए, बच्चा जा भिक्खा दे के आ, भिक्खा दे के आ, और भिक्खा दिलाते ऐसा। तो उसको दो बोला, तो मतलब दया सीखो, दया सीखते सीखते तुम्हारा अंदर में जो असुर भाव है वो चला जाए। दया के द्वारा तो असुरत्व तो जाएगा ना, दया दिखाओ। और मानव लोग जब गया तो मानव लोग को क्या बोला? मानव को दो बोला, बोले वो भी दया दो बोला। अब क्या समझे देवता लोग? सोचा कि दमन, ये सोचा दया। अब मानव जो है, मानव जो है हर वक्त बंधन में जाता है। असुर लोग तो बंधन में है ही, किसका बंधन नहीं है बोलो? किसका बंधन नहीं है? देवता से लेकर चेटी तक सबका, गीता में बोला हुआ है आप ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्तन है अर्जुन है, अर्जुन ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सब साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहा है, किसी का निश्चयता नहीं, क्या करे। तो मानव जाति जो है वो कौवा का जैसा, कौवा जानते हो? कौवा, कौवा इधर गया, एक तो टुकड़ा मिला, एक काठी मिला, उसको लेके आया घर में, वहां एक चीज मिला, एक काम का आया का संसार में लगा, वो उठा के ले आया। कौवा जैसा करता है ना, ये उठा के लाया, सारे कचरा को भर दिया घर में, टीवी मोबाइल ये सब सब है, वो वीसीआर सब कुछ है, सारे जो कुछ है सारे लेके कचरा भर दिया, ये कचरा भर दिया, बुका बॉक्स सब कचरा भर दिया। तो कौवा जैसा है, दुनिया में कुछ भी मिले तो उसको लेके बड़ा काम देगा। वॉशिंग मशीन है, एक लेके आया, अरे वॉशिंग तुम्हारा हाथ क्या हुआ, वॉश करो कपड़ा को, मतलब मशीन के अंदर दे दिया, घुमा दिया, बस वॉश होकर निकल आए। इतना लेजी बन गया आदमी, यहां तक भी हम लोगों का जमाने में जो ब्रेन चलता था, आप विचार करके देखो, इतना किसी को इतना बड़ा हिसाब दो वो कैलकुलेटर यूज करे, लेकिन उस जमाने तो हम लोगों का उस जमाने तो नहीं था कैलकुलेटर, तुरंत ब्रेन का कंसेंट्रेशन ऐसा फटाफट कर दिया। और चाइना में तो ऐसा है, बच्चा लोगों को हिसाब के लिए ऐसा हिसाब है, इतना बड़ा बड़ा 8 डिजिट 10 डिजिट 10 डिजिट
मल्टीप्लीकेशन दिया जाए एक मिनट में कर देगा बच्चा, 5 साल का बच्चा। कितना ट्रेनिंग देता है 5 साल का बच्चा, इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन सब कुछ मुंह पे कर देगा फटाफट। टेक्निक है उसका, टेक्निक है उसका, जो कह रहे हैं वो टेक्निक है। हमारा भारत में नियम था कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन नहीं रहा, चिट्ठी लिखना बंद हो गया। चिट्ठी लिखने का कितना फायदा है जानते हो? चिट्ठी लिखना शुरू करो तो तुम्हारा अंदर भाव आएगा, चिट्ठी लिखने का साथ साथ तुम्हारा भाव आएगा ना, उसको ये लिखे, लिखते लिखते तुम्हारा फिलोसॉफी दर्शन बदल जाते हैं ना। लेकिन आजकल लोग हेलो बोलो बस हो गया, काम खत्म, दर्शन नहीं है कुछ किसी का। पहले कितना सुंदर था, एक एक चिट्ठी लिखो लंबा चौड़ा, उसमें शास्त्रों का विचार आता है, करा मजादार बहुत कुछ, लेकिन आज कुछ नहीं है। आदमी जो दिन पे दिन जो डिपेंडेंट होते जा रहा है मशीन का ऊपर, और उसका जो हृदय का जो वित्ती है एक्टिविटीज है वो उसका ऊपर रास्टिंग गिरते जा रहे, मान की जैसे मर्चा हृदय पैसिव होते जा रहा है। बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि मत पूछो। हम लोगों के जमाने में झूलन करता था, होली रचाता था, खेलता था सब, अब बच्चा क्या करे? खाली पढ़ाई करो, खाली पढ़ाई करो, खाली पढ़ाई करो, अब बच्चा का ब्रेन क्या होगा? खाली पढ़ाई करो, कुछ नहीं। और ऐसा है सुंदर बता रही कि दे महांतो, जो महांती व्यक्ति जो है उसका समचित्ता रहे, समचित्तो हर वक्त समचित्तो। तो समचित्तो मतलब ये नहीं है कि भेदभाव, गुरुजी को बोलना पड़ता है। ये जो देव आदमी लोगों को बोला दान करो, दो बोला, जो मानव जाति गया ब्रह्मा जी को बोला थोड़ा उपदेश दे दो, वो उसको भी दो बोला, एक ही शब्द बोला, बोले दो का मतलब बोला उसका दान, उसका उसका तो कौवा का मानिक स्वभाव है, आके सब इकट्ठा करे घर में, वो दान करना शुरू कर दो, दान सब दान करो। दान करते करते अनुभव हो जाएगा ये जीवन जिंदगी कुछ भी नहीं, सारे दे दो। रामचंद्र जी जो है, रामचंद्र जी का कहानी आए देखोगे, पूरा तमाम सब ब्राह्मण वैष्णव को दान कर दिया। आपने तो जैसे नौकर जैसा है ब्राह्मण वैष्णव को, उत्तर दिशा दक्षिण पश्चिम पूर्व सारे दिख सब दान करके, राम जी बोले हम आप लोगों का गुलाम है, हम सेवा करने के लिए बैठे, सब आप लोगों का ही है, देखा हुआ उधर लिखा हुआ। तो कैसा सिखाया दे, कृष्ण भगवान द्वारिका में रहते हुए सुबह में उठ के सब किया, हम बोला था, उसके बाद दान दक्षिणा, दान करना सीखो, दान करो, हमारा 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 ऐसा मत बोलो, बंधन का कारण हो जाए। अमेरिका में एक दफे रिसर्च हुआ था टेलीफोन एक्सचेंज में, अमेरिका यूएसए में, बोले कौन सी शब्दों टेलीफोन में सबसे ज्यादा व्यवहार होता है, कौन सी शब्द कौन सी शब्दों जो है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो उधर सर्वे किया गया कि उधर मैं और मेरा, मी आई मी ये सब ज्यादा, तो ये बंधन का कारण है। ये जो है गुरु जी का तत्वज्ञानी पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तुमको देने के लिए बैठा हुआ है, तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारा इच्छा नहीं तो क्या करे। इसलिए गुरु जी क्या करता है, सत शिष्यों का हृदय का अंतर, वो जो भक्ति का जो संपत्ति है वो रख देता। जैसे श्रील वामन गोस्वामी महाराज का अंदर श्रील परम पूज्य केशव देव गोस्वामी महाराज रख दिया है, इसलिए हम लोग मजा करके बोलते केशव अधित वामन रूप, अब वो कोई लोग गुस्सा हो जाता है, केशव केशव जी महाराज जो है वामन रूप से आया, इतना सिद्धांत तो तगड़ा। केशव गोस्वामी महाराज का जो सिद्धांत है, वामन गोस्वामी महाराज का कई लिखा हमारा ग्रंथों में, किसी किसी जगह दिया बहुत सारे, हमको बहुत अच्छा लगा। पेशव गोस्वामी महाराज का विचार उनका एक ही है, एक ही तो होगा, अगर गुरु है अगर शिष्य है तो विचार एक ही होगा, शिष्य अगर नहीं है तो एक नहीं होगा, विचार अलग हो जाए, देखना विचार कर। गुरु जी का साथ, गुरु जी का हृदय का साथ, जो शिष्य टोटली हार्मोनाइज कर सका, अपना हृदय को पूरा मिला दिया, पूरा एकदम हार्मोनाइज कर दिया, वही उसी का नाम शिष्य है, उसी का नाम शिष्य है। जो गुरु जी का साथ हृदय को संपूर्ण मिला दिया उसका नाम है शिष्य।
और जो शिष्य जो है वही गुरु है। जब तक गुरु नहीं हो पाओगे तब तक गुरु का सेवा नहीं बन पाएगा। गुरु सेवा करने का पहले तुमको गुरु होना पड़ेगा। जो गुरु है गुरुत्व, गुरु जी का गुरुत्व को समझता है वो खुद गुरु है। गुरु होके गुरु सेवा होता है, नहीं तो पहले करोगे आधा सेवा होगा, 90% होगा, 80% होगा, जितना परसेंटेज आपका परफेक्शन हो उतना होगा, लेकिन 100% हो नहीं सकता। पक्का जब खुद जब गुरु बन जाओगे तब वो गुरु का सेवा होगा। गुरु बन के गुरु सेवा, जैसे देवता का अर्चन पद्धति मिलेगा, देव भूत्वा देवम अर्चयत, देवता का पूजा करोगे पहले तुम दिवा हो, देवता हो जाओ, देव भाव लाओ अंदर में, नहीं तो कभी भी हो ना संभव नहीं कि तुम्हारा लेवल लहक है गुरु वैष्णव भगवान का लेवल जो भी है। तो महान महांतस्त भजन महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, समचित्ता का व्याख्या किया सारे जीवों का प्रति समदर्शन रखने वाले, और प्रशांत्वा कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, यहां प्रो लगा दिया, प्रो पढ़ा अपो अनु जो है उपसर्गो, इसमें प्रशांत प्रकृष्ट रूप शांत हो गया, माने कामना वासना का कोई गंदगी तक नहीं है। ये है महान तो जो वैष्णव है गुरु है उसका लक्षण है प्रशांता। विमन नवह मतलब उसका कोई क्रोध नहीं है, क्रोध कहां से आता है, हिंसा से। अपना काम का अपना कामना जो है उसका ऊपर कोई बाधा डाले तब तो क्रोध आता है। अगर गुरु जी बोले मार एक थप्पड़ मारे तो गुरु जी का क्रोध है क्या, गुरु जी का क्रोध है। गुरु जी अगर बोले एक थप्पड़ मार दे हैं? बोले शासन के शिष्य को, तुम्हारे बोले गुरु जी का इतना क्रोध है, ये क्रोध नहीं, ये तो लीला कर रहे है। क्यों शासन ना करे बच्चा को, बाबा का शासन बच्चा कैसे कैसे आगे चले। बच्चा को पिताजी शासन ना करे, चैतन्य महाप्रभु का जो बच्चा चैतन्य महाप्रभु गौर लीला कर, तो जगन्नाथ मिश्र को कोई देवता ने आकर सपने में आया, ए मिश्रो किसको शासन करते हो जानते हो कौन है, तो मिश्रो बोले कोई भी हो मैं पिता हूं, वो बच्चा है, बच्चा को शासन करना पड़े। बोले नित्य सिद्ध ज्ञान है इसका परात्पर अखिलेश, बोले कुछ भी हो, चाहे भगवान हो नारायण हो कुछ भी हो, अब मेरा लड़का है, मैं तो मारू थप्पड़ मारू मेरे बैठा हूं, है बैठ बात्सल्य भाव है। नंदो महाराज क्या करता है, मारता है ना गोपाल, जा मेरा खरम को लिया, खरम को लेके माथा में ऐसा ऐसा आ रहा है गोपाल। तो आप बोलोगे ठाकुर जी के, ठाकुर जी खरम लेके आ रहा है, हाँ कि क्यों नहीं करे, ठाकुर जी के साथ आपका दोस्ती बन जाए ना तो कुछ नहीं करे, सब करे, क्या कुछ नहीं करे, ये कृष्ण ही है, नारायण नहीं करेगा, ये कृष्ण ही है तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ देखोगे दशम स्कंद आ रहा है। अभी प्रशांता, प्रशांता तो है जिसका अंदर कमन व सुना क्या गंदगी तक नहीं, जैसे हिंगूर, हिंगूर अगर किसी पात्र में रख दो तो 6 महीना 8 महीना बाद उस डब्बा को खोलो फिर भी गंदा आएगा, हिंगू का आएगा नहीं, हिंगू रखो कपूर रखो, तो ऐसा जो गंध है ये भी नहीं रहना चाहिए, जब तक ये गंदगी रहे तब तो ठाकुर जी नहीं मिलेगा। प्रशांता हो गया, विमन नभ मतलब जिसका अंदर में काम ही नहीं है तो क्रोध कैसे रहे हैं। धय तो विषाण पुंसाम संगस्तेश उपजाते संज्ञात संज्ञात काम कामात क्रोध कामात क्रोध हो भी जाते, काम ही नहीं है तो क्रोध कहां से, कामात क्रोध हो भी जाते, क्रोधात भवती सन्मोह सन्मोहत विभ्र आत्म विभ्रम है, उसके बाद तो पतन हो जाता है। क्रोधात भवती सन्मोह सन्मोहात सिति विभ्रम सिति विभ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणशत, ऐसा चेन वाइज है। तो विमन नव इसका जो महापुरुष है उसका कोई क्रोध नहीं रहता, क्रोध दिखाता है शासन दिखाता है, ऐसे क्रोध नहीं है बिल्कुल। विमन नव सुहृद सुहृद साधवोजे, सुहृद किसको बोल जाए, विदाउट एनी इंटरेस्ट, किसी का साथ मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी अंतर में इच्छा है ये जितना सारे आदमी सबका मंगल हो जाए, क्या लेना देना है, हम तो कभी देखा ही नहीं है लोगों को देखा, लेकिन हमारा इंदर हृदय में 100% भागवत लेके बैठा हो सबका मंगल हो मेरा इच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करे आप लोगों का आधार का ऊपर। मेरा इच्छा में मेरा हृदय में इतना इच्छा है
कि सारे गौड़ीय मठ का जो वर्तमान गौड़ीय समाज का जो हालत है सारे सुधर जाए, लेकिन हैरान की बात है सारे मेरे को दुश्मन समझता है। मैं दुश्मन नहीं हूं, दुश्मन वो लोग अपने आप ये सब कर रहा है। हम सोचता है कि गौड़ीय समाज का जो वर्तमान अवस्था है टोटली चेंज हो जाए। कोई भी आदमी अपना फायदा के लिए ठाकुर जी का भागवत व्याख्या ना करे, चैतन्य चैतन्य सारे ब्रह्मा जी का जो प्रतिज्ञा था जगत का मंगल के लिए करो, बोला था ना एक वर्ड उठाकर, जगत का मंगल के लिए कथा करो नहीं तो ये कथा तुम्हारा फांसी का फांदा बन जाएगा। तुम भागवत व्याख्या किया ना, तुम शास्त्र व्याख्या किया ना, यही तुम्हारा फांसी का फंदा बन जाए, आज नहीं तो कल देखोगे मर के रहोगे। ऐसा ना करो, एक एक शब्द ऐसा आचरण के द्वारा पुष्ट शब्दों को उच्चारण करो जैसे सबका मंगल हो जाए। उसमें भी अगर किसी का नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते, हम कोशिश किया तो ऐसा है। श्रुहिद हो जो बिना कोई इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं फिर भी सबका मंगल हृदय से वांछा करता है, सब कोई का मंगल हो जाए। श्रुहिद हो साधु जी, वही साधु है। और सुंदर बोला मां तो महा जो महापुरुष का संगो बताया। इसके बाद सुंदर बताया कौन, ऋषभ देव जी बोले सुंदर बताते हैं, जे बा मुई से कित सौहृदार्था यौनेशु देहांतर वार्तिकेशु गृहेशु जायात्म जराति मत्सु न प्रीति युक्ता जवदार्थाश्चलोके जेवा मई से कित सौहृदार्था जौनेशु देहां भरवार्तिकेशु जेवा मई से कित सौहृदार्था जौनेशु देहां भरवार्तिकेशु गेहेशु जायात्मजराति मत्सु न प्रीति युक्ता जवदार्थाश्चलोके। ये जीवन में, ये जीवन जो आपका पास आया है, जिंदगी आया है, और ये जीवन में अगर आपका मन जेबा मोईशे कितो सौहृदार था, जेबा मोईशे कितो सौहृदार था, हम जो शुद्ध सतमय भगवत तत्व है हम में लगन लगा के, हम में भजन लगन लगा के बैठा हुआ जो है प्रीति, प्रीति अगर बन गया है हमसे, तुम्हारा मन अगर हमसे लड़ गया है अर्थात प्रीति बन गया है, जेबा मई, जेबा मई ईशे, मई जो ईशे, मई हम जो ईश तत्व है शुद्ध सत्यमय, हमारा साथ जिसका प्रीति हो गया, जेबा मई ईशे कितो सौहृदार्था, कृतो अर्थात हो गया सौहृदार्था, सौहार्द मतलब प्रीति स्थापन किया है उन लोगों के लिए, तो संसार में जो जनेशु देहम भरवार्थ केशु देहांतर, जो शरीर और शरीर का साथ जोड़ा हुआ देहों को पालन करने का, संसार पालन करने का, दे जनेशु देहा जनेशु देहम भरवार्थ केशु, देहम भरवार्थ केशु मतलब शरीर और शरीर का साथ जोड़ा हुआ जो विषय है, इन लोगों का विषय ज्यादा आस्था नहीं रखने वाला है, ऐसे तो करते हैं संसार में क्या कहां करे। यार गेहे सुजायात्म जरासी मत्सु नौ प्रीति युग, संसारिक विषय में ज्यादा प्रीति नहीं रखने वाला, प्रीति तो ठाकुर जी के साथ हो गया, नहीं रखने वाला, और किसी भी हालत से अपना जिंदगी गुजारा करे, किसी भी हालत से हमारा शरीर चले ऐसा व्यवस्था करे। और इसका बाद कई श्लोक हम पढ़ के जा रहे हैं, जल्दी जल्दी करें, काल काल सुबह जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी होता नहीं व्याख्या करे तो कैसे। दो चार श्लोक हम बता दिए उसका बाद बंद करें। नूनम प्रमात कुरते विकर्म यदिंद्रियो प्रीतयो आप्रिनोति न साधु मन्ने यतो आत्मनोयम असन्नपि क्लेशदो आसो देहो पराभवो स्तावद बोध या तो यावन्न जिज्ञास
सत्वात्मतत्यम पराभवोस्तावद बोध या तो यावद न जिज्ञासितो आत्मतत्यम। जब तक आपका अंदर में आत्म जिज्ञासा ना आए तब तक करोड़ों जन्म अनंत जन्म घूमते रहो। जब तक क्वेश्चन आया कौन हूं मैं, कहां से आया, ऐश्वरी छूटने के बाद कहां जाए, ये तत्व तो जब तक ना आए तो ये आपका बंधन दशा छूटेगा नहीं है। भले पराभवोस्ताबदबोध या तो यावन न जिज्ञासितो आत्मतत्वम, आत्म तत्व का जिज्ञासा जब तक आपका हृदय में ना आया तब तक ये सोचो कि आप बंधन में ही रहो, आराम से कुछ नहीं होने वाला, कि आपको बंधन में डालने वाला क्रिया को, जो भी कर्म क्रियाकर्म का विस्तार करोगे, यहां तक भी तुम पुण्य कर्म करोगे ना तो बोलोगे हम पुण्य कर्म किया, ये भी तुम्हारा बंधन। ना तो पुण्य करो ना तो पाप करो, भक्ति करो, मेरा बात समझा कुछ। पुण्य कर्म जो है वो भी मत करो और पाप कर्म ये भी मत करो, दोनों ही तुम्हारा फांसी का बंधन। पुण्य कर्म तुमको स्वर्ग में ले जाएगा, इधर उधर ले जाएगा, फिर बंधन ठाकुर जी मिलेगा नहीं, फिर खीने पुण्य, पुण्य कर्म करते, पुण्य कर्म करने के बाद गीता में बताया खीने पुण्य मत्तलोकम विशन्ति, तुम्हारा पुण्य जब खीन हो गया, जैसे फाइव स्टार होटल में गया, जितना तक इधर पैसा है उतना तक रहो, बाद में बिल नहीं चुका धक्का देके निकाल देगा, धक्के लगाकर रहने देगा, रहने नहीं देगा, पैसा नहीं है तो जाओ। ऐसा ही स्वर्ग लोग में जब आपका पुण्य कर्म खत्म हो जाए, दान पुण्य क्या सब कुछ गया, स्वर्ग में चला गया, वाह कितना सुंदर जगह, लेकिन कहां तक रहोगे, कितना दिन तक, खीने पुण्य मत रकम विशंति, और फिर धक्का लगा दिए, धक्का लगा के फेंक दे आपको, अब महाराज दो मिनट रहने दो, दो मिनट एक सेकेंड भी नहीं, जाओ भागो। अगर बोलोगे दो मिनट रहने दो, दो मिनट तो दूर की बात है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रहने दो, तुरंत उधर से धक्का लगा फेंक। तो स्वर्ग लोग भी अनस्टेबल है, ब्रह्म लोग भी अनस्टेबल है, कोई भी लोग चौदह भवन में किसी भी जगह आपका शांति नहीं मिलने वाला, एकमात्र भगवान का चरण प्राप्ति कर लो उसमें ही शांति है, हैं? तो पाप और पुण्य दोनों का ही हिसाब जो है फेंक के रखो। जैसे शुरुआत में बताया ना, ये त्याग भी त्याग, भोग भी त्याग, त्याग भी त्याग, क्या त्याग करोगे तुम, त्यागी बन के दिखाओगे, तुम्हारा कुछ है ही नहीं इस जगत में, क्या तुम्हारा है बोलो, तुम जो त्यागी बनोगे ये भी अहंकार है, ये एक किस्म का बड़ा अहंकार, हम त्यागी है, क्या त्याग किया, तुम्हारा शरीर है ये भी तुम्हारा नहीं है, तुम क्या त्याग किया बोलो, ये शरीर तुम्हारा ये भी तुम्हारा नहीं है, तुम क्या त्याग, हमने त्याग किया, अब अच्छा किया त्याग किया। त्यागी भी बनने का कोशिश मत करो, भोगी भी बनने का कोशिश मत करो, सिर्फ भक्त बनने का कोशिश करो। इसको अंग्रेजी में बोला ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट फॉर द सेवा ऑफ श्री कृष्ण, अर्थात दुनिया में जितना सारे वस्तु आपका नजर के सामने आ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे वस्तुओं को किसी तरीका से बुद्धि लगाकर भगवान का सेवा का व्यवस्था कर, हैं? किसी भी वस्तु आपके पास है, एक उदाहरण दे दे, मय दानव है असुर है, मय दानव असुर नहीं है, मय दानव असुर तो है, मय दानव को कृष्ण भगवान कैसे सेवा में लगाया, मय दानव को कैसे सेवा में ले? जा बिल्डिंग बना, एक बिल्डिंग बना दिया, वो जो हस्तिनापुर है और इंद्रपोस्तो, इंद्रपोस्तो बनाया कौन है, इंद्रपोस्तो, इंद्रपोस्तो कौन बनाया, इंजीनियर कौन था, अरे कौन कुछ नहीं बोलता, कुछ जानता ही नहीं, सब बुद्धू है इंद्रपोस्तो कौन बनाया, यही बनाया इंद्रपोस्तो, इंद्रपोस्तो का प्रासाद आदि सब, ये मैदानों असुरों का एक नंबर इंजीनियर है, देवता लोगों में भी ऐसा इंजीनियर नहीं है, इतना टॉप मोस्ट इंजीनियर वो बना दिया पूरा मैदान तो सेवा में लगा दिया, लगा दिया ना, लगा दिया कि नहीं, तो लगा दिया। तो असुर बुद्धि वाले जो है उसको भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ यू कैन एंगेज तो अच्छा है, एक गुरु वैष्णव का ही क्षमता है, कोई आप बोले महाराज ये इसका बुद्धि बहुत खराब है असुर जैसा है, गुरु वैष्णव इतना चालू है उसका जो असुर बुद्धि है उसको असुर सेवा में लगा देते, जा कम से कम किसने के लिए असुर का काम कर, कोर्ट में जा, इधर बाजू वाला सब मामला किया, जा तो बेटा थोड़ा केस को फाइल देके आ, तो उसको वही सेवा में लगा दे, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेवा हो गया, मटका ही
इसलिए हम लोग भगाने का हमारा किसी को भगा दो ऐसा बुद्धि हमारा नहीं है। हमारा दुख होता है जब ये लोग गुरु वैष्णव को दुश्मन समझता है, इससे बढ़कर दुख हो ही नहीं सकता। गुरु वैष्णव को दुश्मन क्योंकि सच्चा बात बताते, सच्चा कहे तो मारे लाठा, झूठा जगत बुलाए, और गोरस गली गली फिरे, सूरा बैठल बिकाए। तुलसीदास जी बोला, तुम दारू का जो पात्र है लेके पूरा छोटा सा गोली में बैठ जाओ, कहा दारू पीने वाले सब उधर दारू बिक्री हो रहा है, चल चुल्लू खाए, कहां चला जाएगा बाबा। लेकिन दूध खीर लेके घूमो, खीर लेने वाला कोई है आजकल का आधुनिक जो लड़का, मॉडर्न लड़का, दूध कौन खाए, अरे दूध ही तो खाए, क्या खाए है, हम तो दूध ही पीते रहते हैं, अच्छा लगता है, ऐसा ही है विचार। तो अभी समय हो गया, काल सुनोगे अच्छा सुंदर से विचार सुनोगे, आज ये विचार काल बहुत सारे विचार है सुनोगे, उसका बाद जड़ो भरत का कहानी, उसके बाद पंचम स्कंद छोड़ के षष्ठ स्कंदो पकड़ना ही है, कोई उसमें क्वेश्चन नहीं। कृष्ण तदीय पाद पंकजो पंजरांते अद्वैव मन में विशतु मनस राज हंस प्राण प्र